Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, Muhammad Zuhair Iqbal. I'm a full-stack developer as well as DevOps engineer. Becoming a full-stack developer itself is an achievement. And throughout the world and in Pakistan, full-stack developer is your work and anywhere go extraordinary rather than any other field. जब हम आईटी के फील्ड की ऊपर बात करते हैं तो आईटी के फील्ड में बहुत सारे फील्ड हैं जिनमें हम जा सकते हैं, बट इस वक्त जो वर्ल्ड है या जितने भी बिजनेसेस हैं, जो बिजनेसेस इस वक्त सारे के सारे हैं वो आईटी डिपेंडेंट हैं। विदाउट आईटी इस वक्त कोई भी बिजनेस जीरो है। आप पीछे 10 साल पहले चले जाएँ, जो बिजनेसेस आईटी जिन्होंने अडॉप्ट नहीं की तो वो फ्लॉप हो गया, और जिन्होंने आईटी अडॉप्ट की वो आज ग्रो कर रहे हैं। इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल है अमेज़न, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हब है इस वक्त बिजनेसेस के लिए। इवन बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो अमेज़न के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। वो एक टाइम के ऊपर एक बुक स्टॉल है इस वक्त, एंड आफ्टर जॉइनिंग वेब वो कहाँ से काम कर रहे हैं। इन 2004 जब वेब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, देन फेसबुक इंट्रोड्यूस हुई एज ए कॉलेज पर्पज़ के ऊपर एक वेबसाइट के तौर पर। एक क्लास स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट बना, उसने एक वेबसाइट के तौर पर, उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि इतनी बड़ी एक फील्ड बन जाए। बट आफ्टर 17 ईयर्स अब वो एक मेटावर्स में कन्वर्ट हो गई। तो टेक्नोलॉजी वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अब टेक्नोलॉजी के साथ जो मेन चीज़ है फुल स्टैक डेवलपमेंट में, वो आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाते हैं तो हमें वो एक बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखनी है। तो उसमें से हमने ये देखना है कि इस वक्त वर्ल्ड को कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत है। तो इसको साइड कर दो, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो किस तरह के मैंटेलिटी चल रही है, स्टूडेंट्स की अप्रोच क्या होती है, पेरेंट्स की अप्रोच क्या होती है, और जब हम कैरियर की बात करते हैं तो हम कैरियर को किस तरह से लेके चलते हैं। तो अब जहाँ पे भी जितने भी थ्रू द वर्ल्ड, दो आपके पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप अपना बिजनेस करें, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करें, अपना टाइम एज अ जॉब, एज अ इन्वेस्टर, व्हाटएवर, जो भी आप किसी के बिजनेस को ग्रो करें। दो ही ऑप्शन है पार्लियामेंट। तो अगर आप अपना बिजनेस इस वक्त करना चाहते हैं, एक टाइम पहले तक आता था कि अपना बिजनेस करने के लिए एक हैंडसम अमाउंट का होना जरूरी है, एक इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है, तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट से ज्यादा स्किल्स का होना जरूरी है। उस वजह से बहुत सारे ड्रॉबैक्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स भी फ्लॉप हो जाते हैं इस वक्त। बट अगर आपके पास खुद नॉलेज है, खुद आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं, आपको पता है आपकी डिपेंडेंसी खत्म होगी। जैसे ही आपकी डिपेंडेंसी खत्म हुई, आप इंडिपेंडेंट हो गए। जैसे ही एक इंसान, एक पर्सन इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो वो ग्रो करना सबसे ज्यादा शुरू करता है। अब जब बिजनेसेस की बात आ जाए, स्किल्स की बात आ जाए, तो फिर स्किल्स के ऊपर देखना कि आपके पास कौन सी ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसको आप यूज करके तो अपनी लाइफ को एक सक्सेस पार्ट के ऊपर, एक सिक्योर पार्ट के ऊपर लेके जा सके। अब स्किल्स में इस वक्त देखा जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड दो चीजें चल रही हैं। बहुत सारी स्किल्स हैं हम सीख सकते हैं, हर एक स्किल का अपनी वर्थ है, बट दो ही चीजें इस वक्त, या तो वेब या तो मोबाइल। स्किल्स के ऊपर अगर हम आते हैं, या तो हमारे पास वेब है या मोबाइल। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जितनी भी है हमारे पास, वो सारी वेब और मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन हमें कोई शॉपिंग करनी है, कुछ भी हमें चाहिए, हम वेब के पास जाते हैं या मोबाइल के पास। वेब क्या है, वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन, इन दो चीजों के ऊपर ही हमारा जो बिजनेस है वो इस वक्त डिपेंड कर रहा है। अब इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आना है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आते ही उसमें बहुत सारी, एक बड़ी फील्ड है, उसमें आ जाता है डाटा साइंटिस्ट भी बनना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करना है, हमने डाटा स्ट्रक्चर भी करना है, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेवल है, जितनी भी आपने डिग्रीज करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें फुल स्टैक डेवलपर का पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फुल स्टैक डेवलपर का होगा। इस वक्त वेब 3.0 इंट्रोड्यूस हो चुकी है। स्टार्टिंग में जब वेब इंट्रोड्यूस हुई थी, वेब 1.0, उसमें आपके पास ये MSN, Skype और ये जो छोटे एप्लीकेशन थे, असाइड 2004। आफ्टर दैट आपके पास अब जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो आती है वेब 2.0 की कैटेगरी में, लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लॉट ऑफ थिंग्स, जो जिनको आप जानते हैं। बट अभी जो एक क्रेज उठा है जिस चीज का, वो उठा है क्रिप्टो करेंसी का।
ब्लॉकचेन का, एनएफटीज का। तो एनएफटीज एंड ब्लॉकचेन आने वाला फ्यूचर है, ब्लॉकचेन के ऊपर जो ब्लॉकचेन के डेवलपर्स होंगे आने वाला फ्यूचर है। और वहां तक भी पहुंचने के लिए आपको वेब 2.0 से गुजरना पड़ना है, और वेब 2.0 से गुजरने के लिए आपको फुल स्टैक डेवलपर होना जरूरी है। अब इसके लिए हम नेक्स्ट जाते हैं, ये आपके जो बिजनेस है टेक्नोलॉजी वर्सेस बिजनेस जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो 80% आपके पास मोबाइल है, 20% iOS है, विंडोज है, और इसके ऊपर आप इसको। अब इसमें दो चीजें हैं, पहले होता था कि आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये थे कि आप जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है लाइक, तो ये जो थे पहले बहुत ज्यादा एम थे, और एम के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती थी वो C++, C#, अभी भी उनका स्कोप है, बट मैं अभी आपको ग्राफ के ऊपर लेके जाऊंगा तो शो करूंगा कि अभी इस वक्त टेक्नोलॉजी कितनी ट्रेंडिंग में जा रही है, कौन सी सबसे ज्यादा वर्थेबल है। तो इस वक्त जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं वेब और मोबाइल, वो इस वक्त ज्यादा डिमांडेड है एज कम्पेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपके पास दो ऑप्शन है जाने के लिए, या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सही। अब नेक्स्ट, ब्राउजर जो आप वेब के ऊपर चलते हैं, जब हम वेब की बात करते हैं तो ब्राउजर जिस चीज को अंडरस्टैंड करता है वो HTML, CSS और JavaScript को अंडरस्टैंड करता है। लेकिन इस चीज के ऊपर बाद में, पहले आप हम ये देखते हैं जो हमारा एक एनवायरमेंट क्रिएट हुआ है, एक स्टूडेंट की लाइफ किस तरह से चलती है और कहां पे जाके एंड होती है। अब जब हमारा स्टूडेंट इंट्रोडक्शन होता है उसका स्टडी के साथ, प्रेप, जूनियर, सीनियर एंड सो ऑन, वहां से स्टार्ट होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बनना शुरू होता है कि वो एक एजुकेशन सिस्टम में जाना शुरू हो गया। अब वो जो इंटर होता है तो उसके माइंड में पहला कॉन्सेप्ट यही डाला जाता है कि आपने पढ़ना है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये डाला जाना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम में उसने क्या करना है, परफॉर्म करना है, एग्जाम पास करना है, नेक्स्ट क्लास में उसे जाना है, विच इज अ गुड थिंग, उसको एक एग्जाम की प्रैक्टिस होना शुरू हो गई कि मैंने एग्जाम करना है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम वास्ट देखें, थोड़ा सा डीप जाके देखें, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर मैट्रिक में वो आ जाता है, बट स्टिल उसकी जो एक्सरसाइज है वो क्या है कि मैंने एग्जाम देना है और नेक्स्ट क्लास में जाना है, एग्जाम देना है और नेक्स्ट क्लास में जाना है। वहां पे उसकी मेंटेलिटी इस लेवल पे ग्रो नहीं करवाई गई कि उसको कहा जाए कि आपने एग्जाम नहीं देना, जस्ट आपने एक कैरियर भी बिल्ड करना है वाले वक्त में। वो जो स्टडी कर रहा होता है या हम उसे जो स्टडी करवा रहे होते हैं उसको स्टडी हम करवा रहे होते हैं कि वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सिस्टम में इन कर रहे हैं। हम इसको ले चलते हैं मैट्रिक इंटर के ऊपर, 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन इज अ बेसिक नीड के वहां तक होनी चाहिए। उसके बाद आफ्टर 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन 4 इयर्स जो होते हैं स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि उसके बाद स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज हो जाती है, प्रैक्टिकल वे में आ जाते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारे मामला उनके शुरू होना शुरू हो जाते हैं, जॉब नहीं होती बहुत सारी चीजें। अब मैट्रिक और इंटर तक भी हम लेके आए तो हमारे इंस्टीट्यूट में एक कॉमन थिंग है कि जितने भी बच्चे कामयाब होते हैं पोजीशन होल्डर होते हैं, उसके बाद क्या करेगा, एक रेफरेंस ढूंढने की कोशिश करेगा कि रेफरेंस वाला ट्रस्ट वाला पर्सन हो, लेकिन रेट्स किसी और से भी ले लेगा, ट्रस्ट उस पर भी नहीं करेगा, ये दान लगा ले हैं। तो अब उसकी प्रायोरिटी इस वे में सेट है हमारे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही अप्रोच है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर मैं लाहौर की बात करूं तो आप देख लें आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है 80% to 70% स्टूडेंट्स कॉल सेंटर्स में जॉब्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जी? पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, स्टडी क्या कर रहे हैं, मास्टर्स बैचलर्स कंप्लीट होने वाला है, मास्टर्स कंप्लीट होने वाला है, जॉब किस में कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स में। कॉल सेंटर में तो मैट्रिक वाला स्टूडेंट ही कर रहे हैं जॉब, वैसे भी कर सकते हैं आप जॉब। अब वो जो डिग्री कर रहे हैं उसके ऊपर अब थोड़ा सा हम इस पर 4 ईयर उन्होंने स्पेंड किए, 4 साल में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी उन्होंने किया है तो उस पर 5-7-8 लाख रुपया लग गए, प्राइवेट में किया तो 15-20 लाख इजीली। तो अब उसे कहा जाए कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप वही कवर करके निकलो अगले 2 साल। हम अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज देखते हैं, नो डाउट एक एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसका एक फ्लॉ है, वो अवेलेबल है, बट हमारी क्या अप्रोच है, हम डिग्रीज लेके इंटरव्यूज में ये कहते हुए मैंने अक्सर सुना है कि ग्रेजुएट बर्गर वाला, बिरयानी वाला, मेरे पास डिग्रीज है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। एजुकेशन सिस्टम का तो है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आपको नौकरी देंगे, उन्होंने तो डिग्री का कहा था, डिग्री मिल गई है आपको, आपने सर्च आउट क्यों नहीं किया था उस वक्त कि मैं जो चीज करने जा रहा हूं उसकी वर्थ और वैल्यू क्या होगी। अगर आप ये देख लेते मैं एक फील्ड में जा रहा हूं, 4 साल इसमें लगाने लगा, 2 साल पहले ये ग्रेजुएट हुए, थोड़ी सी एफर्ट करते तो 2 साल आफ्टर ग्रेजुएशन 2 साल के बाद वो बंदा जहां पे आपने नहीं पे होना था या उससे आगे ही होना था,
आफ्टर ग्रेजुएशन आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने फील्ड स्विच कर जाते हैं। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स होते हैं, टोटली स्टूडेंट्स 80% फील्ड स्विच कर जाते हैं, 20% इंटर्नशिप्स पे जाते हैं, 80% स्टूडेंट्स मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कॉल सेंटर्स में होते हैं, अपने घर में जाके वो उनका जो पिछला होता है वो सारा, मतलब वो जो उन्होंने पढ़ा है उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब वो जो पढ़ रहे होते हैं एक्चुअली में, जो मैंने पहले बात की थी एग्जाम सिस्टम की, आफ्टर 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन वो सेमेस्टर सिस्टम में आ गए। अब सेमेस्टर में क्या होता है, क्विज, मिड टर्म, फाइनल टर्म, असाइनमेंट, इसी के चक्कर में स्टूडेंट्स को रखा हुआ है। अब वो तैयारी उसी चीज की करता है। अब उसका मेन सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट एक कंप्यूटर साइंस का है, मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंस की डिग्री में नाम आ जाता है, लेकिन उसका फोकस किस पे होता है, मैथ पे होता है, फिजिक्स पे होता है, मुदाले पाकिस्तान पे होता है, वही जो पहले से पहली क्लास से पढ़ता है, इस्लामियत अभी तक जा रही है 6 सेमेस्टर तक। वो कंप्यूटर साइंस की क्लास में भी असाइनमेंट की फिक्र उसको लगी हुई होती है लॉजिक थिंकिंग कि मैंने उसको बनाना है, उसके माइंड में कहीं से ये नहीं होता कि मैंने कैरियर बिल्ड करना है। फिर इस चीज को ध्यान रहने दें, जो एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है वो ये है कि आप 4 साल पहले 8 साल पहले कंप्यूटर साइंस में जो ग्रेजुएट होने वाला है पर्सन है, उसने जो कोर्स पढ़ा था, आज का स्टूडेंट भी वही पढ़ रहा है, वही बेसिक लेवल की C++, बेसिक लेवल की सारी चीजें, और उसमें भी एक्सपर्ट किसी एक स्पेसिफिक स्किल में वो नहीं बन पा रहा। ग्रेजुएट पर्सन से आप पूछें तो वो अपने आप को रेट करते हैं, मैंने इंटरव्यूज किए हैं, मैंने UET के, NUST के सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। अब एक ये होता है कि हम UET में चले जाएंगे तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, कोर्स लेवल सबका सेम है, कहीं पे भी कुछ इवन आप 4x4 CGPA भी गेट कर लेते हैं फिर भी आपको इंटर्नशिप की जरूरत है। अब इंटर्नशिप में आफ्टर 4 इयर्स आपको कोई फ्री में पूरा तो नहीं सिखा देगा, फुल स्टैक डेवलपर तो नहीं बना देगा। हम ट्रेन कैसे करेंगे, उसको कैसे पता चलेगा कहाँ पे जाना है। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी जो पॉलिसीज थी उनकी, उन्होंने डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, गूगल ने भी खत्म कर दी। वो कहते हैं कि रादर देन डिग्री होल्डर पर्सन, हमें एक स्किलफुल पर्सन चाहिए, हम इस चीज के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते। आपकी आईटी की इंडस्ट्री में जितने भी आप इंटरव्यूज देंगे, आप एज अ डेवलपर जाना चाहते हैं, आपसे कोई आपकी डिग्री नहीं पूछेगा, पूछेंगे डिग्री है, इतनी CGPA हो, कहेंगे वेलन गुड, स्किल्स क्या है। आपसे जितने भी क्वेश्चनिंग होगी इंटरव्यू में आपकी स्किल्स के ऊपर होगी। आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो वो पूछेंगे कौन कौन सी स्किल्स है, उसके ऊपर आपसे इंटरव्यू होगा, ना कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने डिग्री में क्या पढ़ा है। एक स्टूडेंट को, हमारे स्टूडेंट्स को, आप जो डिग्री होल्डर है उसे कहा जाए कि अपने डिग्री के 5 फायदे बताओ, 4 साल आपने बता दें, वो सोच में पड़ जाएगा। 4 साल एक प्रोग्राम को देने के बाद ग्रेजुएट पर्सन से करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, सोच में पड़ जाएगा, लिटरली सोच में पड़ जाएगा। मैंने पूछे है ना, उसे समझ नहीं आती मैं क्या बताऊं, जिसने 4 साल एक चीज को दे दी उसके बाद वो 5 फायदे बताने के लिए भी सोच में पड़ रहा है, तो उसका क्या बताऊं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। सबसे ज्यादा इस वक्त मैटर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, 80% आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है। उसके बाद 20% जब वो आएगा तो आपकी प्रोडक्ट को देखेगा, आपको देखेगा, जज करेगा कि क्या है। उससे पहले उसने विजिट करना है आपको, उससे पहले उसने देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, उससे पहले उसने आपको अंडरस्टैंड करना है, और वो आपकी बातों से ही मुतासर होकर आपके पास आएगा। हमारे स्टूडेंट्स के पास नहीं है, किसी को कह दिया जाए 50 की 20 की 30 की ऑडियंस में अलग ही जगह पे जाके आपने स्पीच करनी है 5 मिनट की, 80% स्टूडेंट्स पीछे हट जाएंगे इवन ग्रेजुएट होने के बाद। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल कहां से आएगा। अब कॉन्फिडेंस कहां से आता है, कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पास नॉलेज होता है। अब देखें मैट्रिक आ गया ना, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने 8वीं वाले बच्चे को बड़े अच्छे से समझाएगा, वो उसे बताएगा ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना, इंटर में जाएगा मैट्रिक वालों को समझाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा इंटर वालों को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, तब भी वो अपना पॉइंट क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अपने नॉलेज के ऊपर भी बिलीव नहीं है। और सबसे ज्यादा इंसान को जो चीज कामयाब करती है वो उसका सेल्फ डिसिप्लिन। हम कहते हैं हमें मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशनल वीडियोस देख के, मोटिवेशन देख के उससे हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटिवेशन एक दिन के लिए रहती है, 2 दिन के लिए रहती है, डेली वीडियोस देख देख के थक जाएंगे। जो कामयाब करेगी वो सेल्फ डिसिप्लिन है, उठना है तो उठना है, जाना है टाइम पे तो जाना है, ये सेल्फ डिसिप्लिन में आती है। ये करना है तो उसको फिर कंटिन्यू करना है, मुसलसल करना है, उसको छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना,
हम एक चीज ट्राई करते हैं हफ्ता दो हफ्ते, उसके बाद दूसरी चीज पे आ जाते हैं, तीसरी चीज पे आ जाते हैं। हमारे माइंड में टाइम तीन चार पांच चीजें चल रही होती है। जब हमारा फोकस ही एक गोल के ऊपर नहीं होगा, एक विजन के ऊपर नहीं होगा, तो हम अचीवमेंट क्या करेंगे? अब उसके लिए जो है अब ये हमारा एक स्टूडेंट का हाल है। अब इस फील्ड में एक ग्रेजुएट पर्सन जो है वो प्रैक्टिकली जीरो है इंटर्नशिप्स के लिए जाता है, उसकी जो अप्रोच है वो हमने देख ली। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन में। प्रैक्टिकल एजुकेशन में एक मैट्रिक का भी बच्चा है ना, उसको अगर 15 डेज ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं तो वो डिग्री होल्डर से बेटर परफॉर्म करता है। आप कोई मैट्रिक का बच्चा यहाँ पे लें, 15 दिन की सिर्फ ट्रेनिंग होगा। और मैथ कंप्यूटर साइंस में मास्टर करने वाला बच्चा दे, 15 दिन के बाद जो काम मैंने उसे करवाया वो काम कर देगा? नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है। अब फील्ड में जाने के लिए हमारे पास जो टॉप कैटेगरीज है, जो टॉप रेटेड डेवलपर्स की डिमांड है, सबसे ज्यादा डेवलपर की डिमांड है फुल स्टैक, उसके बाद डेवलपर्स की डिमांड है बैकएंड डेवलपर, उसके बाद डेवलपर की डिमांड है फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है? फ्रंट एंड ये है कि आप जो चीज वेब्स के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर जो चीज विजुअलाइज है, यूजर के साथ इंटरेक्ट हो रही है जो चीज, वो फ्रंट एंड है आपका। जो बिहाइंड द सीन्स हो रहा है, आपने आइटम परचेज की, उसकी अमाउंट कहां गई, आपने फॉर्म सबमिट किया, वो चीजें कहां गई, वो बैक एंड के ऊपर सारी चीजें मैनेज होती है। फिर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन आ जाती है, आपका क्लाउड आ जाता है। तो अब अगर हम इस चीज को समराइज करें, फ्रंट एंड को, बैक एंड को, मोबाइल एप्लीकेशन को और क्लाउड को, इन चार मॉड्यूल को समराइज करें, तो एक बंदा है जाके फुल स्टैक डेवलपर। अब हमने फुल स्टैक डेवलपर ही क्यों बनना है? फ्रंट एंड भी तो बन सकते हैं नंबर 3 पे, तो फ्रंट एंड है, बैक एंड भी बन सकते हैं नंबर 2 पे, वो है। अब फील्ड में जाएंगे, जब बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर मेरे पास एक स्पेसिफिकली एक डोमेन होगी, मैंने डेली बेसिस पे फ्रंट एंड का काम करके देना है बस, मुझे नहीं पता अदर पर्सन क्या कर रहे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है फ्रंट एंड के टास्क कंप्लीट करना। बैक एंड डेवलपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसने बैक एंड को कंप्लीट करना है, देखना। अब प्रेजेंट में और फ्यूचर में स्कोप सबसे ज्यादा इसी चीज का है, प्रेजेंट में भी इसी चीज का है और फ्यूचर में भी, और उसका मैं यहीं पे आपको दिखाऊंगा, फिर एक्चुअल रिजल्ट्स दिखाऊंगा। बट उससे पहले, अब जो आप फुल स्टैक डेवलपर होगा, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो एज अ टीम लीड काम कर सकते हैं। उसके पास बीइंग फील्ड में होते हुए भी लर्निंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो वो शुरू से लेकर एंड तक उसकी डिप्लॉयमेंट, उसकी मेंटेनेंस, ईच एंड एवरीथिंग, फ्रंट एंड कैसे चल रहा है, बैक एंड कैसे चल रहा है, क्लाउड कैसे चल रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन कैसे चल रहे हैं, हर चीज को वो फुल स्टैक डेवलपर देख रहा होता है। जब वो हर एक चीज को देख रहा होता है तो उसका नॉलेज बढ़ रहा होता है, वो भी जूनियर डेवलपर्स की हेल्प कर पा रहा होता है। जब वो जूनियर डेवलपर्स की हेल्प कर पा रहा होता है तो वो एज अ टीम लीड काम कर सकता है, उसके पास फ्यूचर में ग्रूमिंग के चांसेस ज्यादा आ जाते हैं। फिर फ्यूचर में जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस आती है तो सॉफ्टवेयर हाउस में जो एक अच्छी कंपनी है वो आपको मौका देती है, टाइम देती है, लर्न करवाती है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही लर्न करवाती है, आपकी पे वैसे ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे लिए एक यूजफुल पर्सन है, वो फिर आपको मौका देके आपको ग्रो करवाती है। लाइक अभी फुल स्टैक डेवलपर है तो अभी ब्लॉग, आफ्टर फुल स्टैक डेवलपमेंट आपके पास फील्ड में चांसेस और ज्यादा है, लाइक ब्लॉकचेन डेवलपर, एआई डेटा स्ट्रक्चर और बहुत सारी इस चीज में, एनएफटी डेवलपर के ऊपर भी आप जा सकते हैं। लेकिन पहली शर्त यह है कि फुल स्टैक होना जरूरी है। अब फुल स्टैक होंगे तो आपकी एक बेस बनेगी। अगर हम फुल स्टैक डेवलपर नहीं, हम डायरेक्ट जाके पाइथन सीखने लग जाए, ए सीखने लग जाए, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, संभव वो हमें डिफिकल्ट लगेगा, हार्ड है। लेकिन उससे पहले अगर आपने फुल स्टैक डेवलपर की है, फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपकी जो मेन लैंग्वेज यूज होती है वो जावास्क्रिप्ट है, ईच एंड एवरीथिंग वो जावास्क्रिप्ट के अराउंड सर्कल करती है। इस वक्त नंबर 1 ट्रेंडिंग में जो लैंग्वेज आ रही है वो जावास्क्रिप्ट। अक्सर लोग पहले, इससे 2 साल पहले हम सुनते थे पाइथन बड़ी अच्छी जा रही है, पाइथन नंबर 1 ट्रेंडिंग में, बट इस वक्त जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग में है वो जावास्क्रिप्ट है। और जावास्क्रिप्ट इसलिए है क्योंकि बैकएंड में, फ्रंट एंड में उसके फ्रेमवर्क्स, उसकी लाइब्रेरीज ने उसे स्ट्रॉन्ग की है, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में आ जाते हैं, हमने देख लिया फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, सही है, और इसमें लैंग्वेजेस को हम देख लेते हैं कि फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस क्या है, बैक एंड की क्या है, वो हम रिजल्ट्स के ऊपर देखेंगे, स्टैट्स के ऊपर, प्रो दी वर्ल्ड सर्वे के ऊपर। बैक एंड अब क्लाउड में आपके पास 3 मॉड्यूल्स है, कुबरनेटिस कर सकते हैं, गिटहब, डॉकर, ये जो है इस वक्त मोस्ट यूजफुल है, और AWS।
एज अ क्लाउड। तो ये जो चार आपके पास मॉड्यूल है क्लाउड के ऊपर आपका होना जरूरी है, और AWS की सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप जब माइक्रोसॉफ्ट की, अब हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही अचीवमेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे आईटी की फील्ड में, वो क्या है, एक अल्फा क्रेन का नाम है हमारे पास। कितने लोगों को पता है कि अल्फा क्रेन ने क्या किया था? टावर बना हुआ है ना, क्या सॉफ्टवेयर में क्या अचीवमेंट थी उसकी? एक हमारे पास एक अचीवमेंट है ग्लोबल बिल गेट से, वो जाके मिली है, ऐसे ही है ना। अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई उनकी, अल्लाह ताला उनको जन्नत से फरमाए, बट हमारे पास वो एक अचीवमेंट है आईटी के फील्ड में। सीरीज जंगस उस एज में उसने एक माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम क्लियर किया था, जो आपका फ्रंट एंड एग्जाम होता है 7480 एग्जाम का, वो एग्जाम उसने क्लियर किया था और उस एज में किया था। मास्टर वाला बच्चा भी वो एग्जाम क्लियर कर सकता है अभी, वो एक अचीवमेंट है, हमें पता ही नहीं है कि उसने किया क्या था। हमारे यहां कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज हो रही हो। आप थोड़ा सा ग्लोबली हम जाएं, आईटी की फील्ड हमें पता चल गया कि बड़ी हो गया, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब ऐसा नहीं है हमारे बच्चे टैलेंटेड नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बोर्ड में पोजिशन ले रहा है, आप जबरदस्त बच्चा है ना, टैलेंटेड है तो वो ले रहा है। अगर उसकी डायरेक्शन सही नहीं है, वो जिस चीज में मेहनत कर रहा है, तो उसमें उसे डायरेक्शन किसने बतानी है? उसके टीचर्स ने बतानी है, उसके पेरेंट्स ने बतानी है, उसने उसी डायरेक्शन में मेहनत करनी है। अब ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो आपके फेसबुक में ट्विटर का सीईओ कौन है? इंडियन। गूगल का सीईओ इंडियन। आपकी जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज के ऊपर मोस्टली ग्लोबली है, उनमें सबसे ज्यादा इंडियंस काम कर रहे हैं और हायर पोस्ट पे काम कर रहे हैं। लोअर पोस्ट पे तो है ही है, हायर पोस्ट पे भी इंडियन है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, 32 सूबे हैं उसके, 35% इकॉनमी इंडिया की आईटी डिपेंडेंट है। मीन्स अगर हम उसमें से आईटी को निकाल दें तो उनकी इकॉनमी खत्म। हमारी कितनी? मैक्सिमम 2% है। हम सबको पता है, पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको पता है कि काला दौर है जी कंप्यूटर का, ये सेंटेंस तो सुना है ना, अब तो कंप्यूटर का दौर आ गया। लेकिन ये कौन समझाएगा कंप्यूटर का दौर कैसे है? ये कभी किसी ने समझाया? किसी स्टूडेंट को समझाया कि कंप्यूटर का दौर कैसे है? कैसे आपने इसमें ग्रो करना है, तो कैसे आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीजें हैं कंप्यूटर में जहां से आप जाके अर्निंग कर सकते हैं, कितने वेज हैं, कितने सोर्सेज हैं। हमारे बच्चों को इंटर में मैट्रिक में कहा जाता है बच्चे हैं जी कर ले दो, यूनिवर्सिटी में जी बच्चे लगा हुआ जी कर ले दो, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी खत्म होती है फिर पेरेंट्स कहते हैं हम तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम तो कमा के लो, वो कहां से ले, मार्केट में जाते हैं जॉब लेने के लिए, वो कहते हैं एक्सपीरियंस लो, जॉब देंगे हम, एक्सपीरियंस तो दिखाओ। अब जब वो जॉब में, अब वो जॉब वाला कहता है भाई जॉब में मैं एक्सपीरियंस गेन करूंगा, मार्केट में कंपटीशन इतना है, वो किसको प्रायोरिटी देंगे? उसके बाद अब यूनिवर्सिटीज में देखें, यूईटी से भी ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, यूसीईटी से भी ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, यूसीपी से भी, मोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज से हो रहे हैं। अब कहते हैं जी डिग्री लेना जरूरी है क्योंकि हमने गवर्नमेंट जॉब में जाना है, इसलिए जरूरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा अगर हम सर्वे करें, चीजों को एनालाइज करें, तो हमें समझ आएगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, लाहौर में 3 कैंपस है उनके। अब वहां पे देखा जाए हमारे पास तो स्टूडेंट्स की सीट्स कितनी होती है, टोटल 400-500 मैक्सिमम, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, वरना 400-500। मैरिट कितना है? 92% का दिया हुआ है। बाकी जो स्टूडेंट्स बचते हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। अब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब पे जाएंगे, एक बच्चा बैठा है UMT का, UCP का, CPR का साथ, UET का बैठा है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो प्रायोरिटी किसको देंगे? हम इतनी हाई फीसेस दे रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, लेकिन प्रायोरिटी किसको मिल रही है? स्टिल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को देंगे ना पहले, वो यूईटी का ग्रेजुएट है, गवर्नमेंट जॉब में हम जाएंगे तो फिर वो कहीं जाके उसकी बारी आएगी। अब इसमें भी देखें तो एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ की भीड़ चाल चल रही है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, कोई और कॉन्सेप्ट है ही नहीं।
किसी तरफ किसी स्टूडेंट का किसी पेरेंट का माइंड ही नहीं जाता कि कुछ और भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। एचईसी डिग्रीज कितनी देती है पर ईयर? मैक्सिमम 500 एक ग्रेजुएट प्रोग्राम को। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कितना होता है पर ईयर? 3000-4000 एक सिस्टम में, एक प्रोग्राम में। समर एडमिशन अलग है, सप्लीमेंट्री एडमिशन अलग है, एनुअल एडमिशन अलग है। इन चीजों का एनालाइज कौन करेगा? 3000 बच्चे। अब वो इधर ही कहेंगे कि भाई आप छोड़ जाओ यूनिवर्सिटी को, छोड़ जाओ। अक्सर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज गए होंगे आप से, उन्होंने देखा होगा कि आपके साथ ज्वाइन होने वाले 3000 स्टूडेंट्स है, सेक्शन 20-25-30 है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। एट द एंड ऑफ द ईयर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में देख रहे हैं, उनसे पूछेंगे वो कहेंगे हमारे 30 सेक्शन है, जब फाइनल है वाले सेक्शन होंगे वो 5-7 होंगे। अब वो खुद तो नहीं छोड़ जाएंगे। तो उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो अब वहां पे क्या होगा, स्टूडेंट्स को खुद नहीं कहेंगे हाई फीसेज है। एक कॉमन पर्सन जो है वो जो अपना माइंड सेट करके जा रहे कि आफ्टर 6 मंथ उसने 1,80,000 1,50,000 या 80,000 या 90,000 उसने सेमेस्टर की फी देनी है, उसका एक सब्जेक्ट भी ड्रॉबैक हो जाता है पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में जाएगा डिग्री उसको उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक उसके पूरे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। अब वो जो नेक्स्ट उसने सब्जेक्ट क्लियर करना है उसकी दोबारा फी पे करनी है 40,000 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, उसके ऊपर बर्डन आ गया। अब वो उसका अरेंज करेगा, क्या गारंटी अगले सेमेस्टर में फिर उसका सब्जेक्ट ड्रॉप नहीं होगा, स्टूडेंट्स खुद ही ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाएंगे, उनका फ्यूचर कहां जाएगा? जिसने 3-4 सेमेस्टर कर लिया उनका फ्यूचर कहां जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमारे। तो लव बेसिकली आपका जो है आपकी कंप्लीट जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्शन बिल्डिंग होती है, आपकी जिसके ऊपर टेस्टिंग होती है। आप देखें जितना भी आपकी टीम वर्किंग होती है, लाइक गिटहब की हम एग्जांपल लेते हैं, आप सॉफ्टवेयर हाउस का जो एक एनवायरनमेंट होता है उसमें एज अ टीम आप काम कर रहे होते हैं। अब जब आप एज अ टीम काम करते हैं तो एक डेवलपर की जैसे एक फुल स्टैक डेवलपर है उसने ओवरऑल पूरे कोड को देखना होता है, फ्रंट एंड कैसे चल रहा है, बैक एंड कैसे चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग को उसने एनालाइज करना होता है। उसने कहां से देखना है? एनालाइज करना है गिटहब के थ्रू एनालाइज करना है। गिटहब के ऊपर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जस्ट अपने अपने सिस्टम के ऊपर अपना कोड कर रहे हो, लेकिन आपका कोड एक ही स्ट्रक्चर में एक ही फाइल में हो रहा है, वहां पे आपके पास एक एडमिन अवेलेबल है जो उस सारे कोड को लुक आउट कर रहा है, आप अपनी अपनी ब्रांच में रहकर डोमेन में रहकर वहां पे काम कर रहे हैं। डॉकर क्या है वो आपको अगर रिएक्टजेस में हम जाएंगे तो वहां पे आपको एक कंटेनर्स प्रोवाइड करता है, जब आप प्रोडक्शन बिल्डिंग में जाते हैं, जब आप अपनी एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट में जाते हैं तो वहां पे आपको क्या मिलता है? डॉकर मिलता है। डॉकर में आप कंटेनर्स क्रिएट करते हैं रिएक्ट को साथ इन्वॉल्व करते हैं, इसके अलावा भी आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप AWS के ऊपर चले जाएं तो उसमें भी आपके लिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग का स्कोप है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जाके आप जब इन 3-4 चीजों को कर लेते हैं तो आप एज अ टेस्टर, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, एज अ आर्किटेक्ट इंजीनियर, आप जो कंप्लीट आपकी एप्लीकेशन डिवेल्प हो रही है, बड़ी एप्लीकेशन होती है जिसमें ब्लॉकचेन एनएफटीज आ जाते हैं, तो उसमें अपने आर्किटेक्चर डिवेल्पर का रोल भी अदा करना होता है, तो वो भी क्लाउड के थ्रू ही आप कर सकते हैं। अब इस सब चीज में हमें जो जरूरत है वो पर्सनल ग्रोथ की है। अब पर्सनल ग्रोथ में हमारे पास सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो हमें होना चाहिए गोल का पता होना चाहिए। जब तक हमारे माइंड में गोल नहीं होगा हम किसी तरफ जा ही नहीं सकते। अब गोल के लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत है? हमें पैशन का होना जरूरी है, डेडिकेशन होना जरूरी है, हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए। हमें जो चीज हरा सकती है वो हम खुद है और कोई नहीं। जब आप सेल्फ बिलीफ अपने अंदर ले आएंगे, जब आपको पता होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, फिर आप कर सकते हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जब आप हम खुद जो है वो एहसास कम तरीका शिकार है मोस्टली पर्सन, इवन हमारे पास इनफ नॉलेज होने के बावजूद भी हम एहसास कम तरीका शिकार है। उसके एग्जाम्पल में आप कैसे देता हूँ, लाइक आप ये देखें जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अगर हम जाएं तो जो यूरोपियन कंट्रीज के क्लाइंट्स हैं वो एशियन डेवलपर्स को इसलिए प्रायोरिटी देते हैं, खसूसी तौर पर पाकिस्तान को इसलिए देते हैं, उन्हें पता है जो काम हमने $200 में करवाना है ये हमें $15 में कर देंगे, ये हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज है जो इंसान को कामयाब बनाती है वो उसकी वैल्यू है, अपनी वैल्यू को पहचानना।
वैल्यू का पता होगा तो ही उसे पता होगा कि वो किस ग्रोथ के साथ है। और वैल्यू कैसे पता होगा, जब उसे पता होगा कि उसका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, लेवल ऑफ नॉलेज है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अपनी वैल्यू बनाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स को, अक्सर लोगों को हमने सुना है कि मेरी जॉब सैलरी इतनी है, 20,000 है, 30,000 है, मेरी इतनी सी है, बहुत सारी ऐसी बातें हमने सुनने को मिली। कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना मेरी वैल्यू ही यही है, मैं इसीलिए ये काम कर रहा हूँ, मेरी 10,000 की वैल्यू है, मैं कार्ड के तौर पर काम कर रहा हूँ, मेरी वैल्यू 10,000 की है। उसी कंपनी में मैं 14 घंटे दे रहा हूँ, एक बंदा 8 घंटे दे रहा है, वो 3,00,000 ले रहे हैं, वैल्यू का डिफरेंस है ना। जस्ट एक जो उनका अपना ऑनर है वो उससे भी डबल जा रहा है, वैल्यू है हर एक की अपनी। तो जो इंसान जितनी अपनी वैल्यू बनाएगा वो उतना सक्सेसफुल होगा, और वैल्यू उसी वक्त बनेगी जब उसके पास गोल्स होंगे, जब उसके पास अपनी क्रिएटिविटी होगी, अपनी ट्रेनिंग होगी, अपने आप को उसने ग्रूम किया होगा और कंटिन्यू उसके ऊपर काम किया होगा। ऐसा नहीं है कि एक चीज आपने स्टार्ट की और उसी में आपको अचीवमेंट मिल गई। अल्लाह ने भी हमें कहा है कुरान पाक में कि आपके पास इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अब हमें कहेंगे मेहनत के ऊपर आ जाए, बहुत सारे लोगों का ये माइंड होता है मेहनत करेंगे तो हम बड़े कामयाब हो जाएंगे। मेहनत करनी चाहिए, बेशक मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, सारा कुछ है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक क्यों बनाया, इस पॉइंट अभी पे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड के ऊपर। अल्लाह ने हमें अख्तियार दी है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। अब मैं मेहनत करता रहूं, मजदूर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर ही करते हैं ना, तो फिर सबसे ज्यादा अच्छा उनको होना चाहिए। मेहनत के साथ आपने अपने माइंड को यूटिलाइज करना है कि माइंड को किस तरफ आपने लेके जाना है। आपने देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है। वही पर्सन जो एक भीड़ से साइड पे यूनिक होकर चलता है वही कामयाब होता है। अब जितने भी ये हम देखें ना, हमने अपने एक सेट किया हुआ कि ये मेरे लिए ना एक मोटिवेशन है, ये इस पर्सन को मैं सुनता हूँ, इसकी मैं जर्नी देखता हूँ तो मुझे बड़ा फील आती है, या हमने एक कोटेशन दी हुई है कि इसने ये बात की है तो ये कोटेशन के तौर पर हमारे लिए। अब एक्चुअली में वो पर्सन जो बोल रहा होता है वो कुछ और नहीं बोल रहा होता, उसने जो अपनी जर्नी गुजारी है वो वही बोल रहा होता है। हमें वो बड़ी मोटिवेशन वाली बातें लग गई थी, हमें लग रहा था कि वो बड़ा ना एक उसके जो वर्ड्स है, उसके जो अंदाज है वो मोतियों की तरह वो बदले गए अपने अल्फाज में। एक्चुअली में उस पर्सन ने अपनी एक जर्नी गुजारी, उसने मुश्किल भी देखी है, उसने हर एक चीज, उसने गिव अप नहीं किया। एट द एंड जब उसने कुछ अचीवमेंट कर ली है, जब आफ्टर अचीवमेंट वो अपनी जर्नी बताते हैं और हम उससे इंस्पायर होते हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं हर एक की एक स्टोरी है अपनी, कोई भी डायरेक्ट कुछ भी अचीव नहीं कर पाया और उसने सालों लगाए उस चीज को अचीव करने में। हम कह देते हैं कि ये पर्सन ये है, उसकी हिस्ट्री जाके पढ़ेंगे तो हमें एनालाइज होकर जाके पता चलेगा कि उसने क्या क्या चीजें अचीव की हैं, किस किस दौर से वो गुजरा है, क्या क्या चीजों का उसको सामना करना पड़ा है। तो उस चीज को जब हम एनालाइज करेंगे तो फिर फील आएगी कि हमें भी एक अपनी जर्नी गुजारनी है, हम भी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, हम भी ये चीज कर सकते हैं जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो लोगों को फायदा दे। हमेशा कामयाब लोग वही हैं जिन्होंने अपने माइंड में विजन बनाना है, जब गोल सेट करने की बारी आनी है तो अपने माइंड में एक ही थॉट सोचनी है कि गोल ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों का फायदा हो, अपना फायदा नहीं, लोगों का फायदा हो। जब लोगों का फायदा करोगे अल्टीमेटली अल्लाह ताला आपका फायदा खुद कर लेंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमें यह सोचना है कि मार्केट में, मुआशरे में हम एज अ फर्ज क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो है वो स्किल्स की सोच नीड है जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और वो स्किल्स जो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी सिस्टम में, मैं और बात इसमें ऐड करूं तो आप देखें हमारे पास पिछले 2 साल में लॉकडाउन रहा है, मार्केट ओपन थी, सारा कुछ बाजार वगैरह ओपन थे, एजुकेशन सिस्टम को हमने ऑनलाइन कर दिया, एजुकेशन सिस्टम से अच्छा SOPs पे भी अमल दरामद करवा सकते हैं, सख्ती से करवा सकते हैं ना, स्कूल वाले करवा सकते हैं ना सख्ती से SOPs पे अमल, बाजार में तो नहीं होता SOPs पे अमल, वो बांध रहे हैं यूनिवर्सिटीज बांध रही। अब वो क्यों बांध रहे, ताजिर लोग बाहर आ गए थे कि हमें मार्केट खोलने की इजाजत है, क्यों उनका रोजगार रुक गया था, यूनिवर्सिटीज की मैनेजमेंट पूरी वो उनके जो जितने भी लोग हैं वो भी तो बाहर आ सकते थे भाई हमें फिजिकल करने में, अब फीसें तो उन्होंने पूरी ली है, या अगर गवर्नमेंट कर देती ना फीसेस हाफ लें सारा एजुकेशन सिस्टम बाहर होता,
और कभी भी एजुकेशन सिस्टम बंद ना होता। जब उन्होंने फीसिस पूरी की, उन्हें पता है कि उनका जो एनवायरमेंट है, जो बिजली का एक्सपेंस है, कुछ भी उनका बच रहा है, तो उन्हें क्या जरूरत है पानी करने की। और हम लोग, हमारे स्टूडेंट शुरू में तो उन्हें फील हुआ, बाद में उन्हें लगा कि नहीं, ये एक मौज की जिंदगी है, ये सही है, ऑनलाइन से ये काम ईजी है, जाना भी नहीं पड़ना, उठना भी नहीं पड़ना, टाइम पे भी नहीं उठना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्वाइन करो और सो जाओ। तो हमारे स्टूडेंट्स कहां पे जाएंगे? जब हमारे स्टूडेंट्स की मेंटालिटी ये होगी, कहां पे जाएंगे? जब थिंकिंग लेवल या फिर यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी उनका थिंकिंग लेवल ग्रो नहीं कर पाया, मैच्योर इनफ नहीं हो पाया, तो कहां पे जाएंगे? उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो सकता? हो ही नहीं सकता। फिर वो लोगों को गाइडलाइन करेंगे, कैसे कर ले, ये कर ले, इस तरह कर, क्योंकि उन्हें समझ आ जाती है एक टाइम गुजरने के बाद। आप स्किलफुल पर्सन है, आप इस वक्त मैट्रिक के स्टूडेंट भी हैं, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हैं, तो आपकी जो सैलरी पैकेज, मिनिमम सैलरी पैकेज जो स्टार्ट है वो 1 लाख से पाकिस्तान में फुल स्टैक डेवलपर। बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपके पास 3 या 4 मंथ की ड्यूरेशन है, आपके पाकिस्तान में आपको 40 से 50 हजार की जॉब इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अलग है। तो हमने देखना है, हमने किस तरफ जाना है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा, जितने भी बिजनेसेस हैं, व्हाटएवर कुछ भी है, उसमें सबसे ज्यादा जो अहम रोल है आईटी का है, प्रेजेंट भी आईटी का है, फ्यूचर भी आईटी का है, डिपेंड किसके ऊपर है, वेब के ऊपर है और मोबाइल के ऊपर है, उसके लिए हमें फुल स्टैक डेवलपर बनना जरूरी है। और उस चीज के बारे में जानने के लिए हमें अपने आप को उस लेवल का तैयार करना है, और वो तैयारी आपकी यूनिवर्सिटी नहीं कर पाएगी, किसी भी सूरत में नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो ओल्ड कोर्सेज अभी तक पढ़ाए जा रहे हैं उन्हीं की ही वैल्यू, उनकी अब बात तो वैल्यू नहीं है। अब हम आ जाते स्टैक ओवरफ्लो का, पता है किसी को स्टैक ओवरफ्लो? एक ऐसा समझ, स्टैक ओवरफ्लो के बगैर कोई भी डेवलपर काम ही नहीं कर सकता। स्टैक ओवरफ्लो एक हब है डेवलपर्स के लिए। आप गेमिंग डेवलपर है, आप कोई भी डेवलपर है, आपके स्टैक ओवरफ्लो के बगैर आप कुछ भी नहीं है। हमारे अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था डेवलपर की कैटेगरीज कितनी है ग्रेजुएट होने के बाद। अब स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो क्या करते हैं, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड डेवलपर्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। कोई भी अगर आने का कुछ भी है तो हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको स्टैक ओवरफ्लो से मिलता है। अब वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो टॉप रेटेड सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं उनका वो सर्वे करते हैं। उस सर्वे में वो देखते हैं कि कौन से डेवलपर की क्या चॉइस है, कौन से सॉफ्टवेयर हाउस की क्या चॉइस है, कौन सी लैंग्वेज को वो प्रायोरिटी देते हैं, किस चीज के ऊपर वो काम करना चाहते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि उसका जो लेटेस्ट सर्वे डेवलपर आया है, उनका जो उन्होंने लेटेस्ट सर्वे किया है 2021 में, उसको हम देख लेते हैं कि उसमें उन्होंने जो कैटेगरीज चूज की है वो क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं। ये उन्होंने एजेस वगैरह बताए हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग कि कितने साल के लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, बट हम अपने पॉइंट पे डायरेक्ट जाते हैं। डेवलपर रोल्स, कौन से डेवलपर जिस वक्त मार्केट में इन एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, किस डेवलपर की क्या सैलरी होनी चाहिए या किस लैंग्वेज को सीखना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग को इस चीज में। अब ये जो उनका ऑल रिस्पोंडेंट्स कंप्लीट सर्वे के मुताबिक जो उनके पास रिजल्ट आया है, तो इस वक्त सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड किस चीज की है? फुल स्टैक डेवलपर, उसके बाद बैक एंड, उसके बाद फ्रंट एंड, फिर आपके पास वो डेस्कटॉप आ गया। फुल स्टैक बैकएंड और फ्रंट एंड के लिए आपको किन लैंग्वेजेस की जरूरत है, एजुकेशन का कोई इसके साथ रोल नहीं है। अब ये चीज कैसे आएगी, इंडिया का शायद आपको बच्चा, और उसका नाम मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा, 13 इयर्स ओल्ड है वो बच्चा, आईबीएम में एक प्रॉब्लम आ गई थी, यूट्यूब के ऊपर उसका इंटरव्यू भी अवेलेबल है। उसका जो वाले साहब थे वो आईबीएम में काम करते थे, उस शुरू से ही उसकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दी थी। आईबीएम की जो प्रॉब्लम आई थी उसने डिटेक्ट करके दी थी, उसने उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया था उस बच्चे ने।
अभी वो गूगल में काम कर रहे हैं और वहां की टीम्स को स्पीच देकर उनको मोटिवेट करके उनको सिखाता है इंडिया का। अगर हमें भी शुरू से बताया जाएगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती है एट द एंड आपके लिए गाइडलाइन मैटर करती है और वो राइट टाइम पे गाइडलाइन मिलना ज्यादा मैटर करती है। फिर उसके बाद फोर्स हमारे स्टूडेंट्स के पास होती है, उसके बाद आपकी डायरेक्शन राइट होनी चाहिए, फिर आप राइट फोर्स उसके ऊपर लगा सकते हो। एक ग्रेजुएट पर्सन जब हो जाता है तो उसके पास फोर्स की कमी हो जाती है, वो उस लेवल की फोर्स नहीं लगा सकता। इंटरमीडिएट का पास बच्चा जो है वो जबरदस्त फोर्स लगा सकता है, उसे पता है कि मैंने अभी पढ़ना ही है, उसकी मेंटेलिटी लेवल अभी वहीं तक ही होता है। यहां पे हम आ जाते हैं, ये जो जितने भी इसमें ये टेक्नोलॉजी का, अब टेक्नोलॉजी का क्या है, गूगल के डेवलपर्स माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू जो जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं कि किस लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसको सीखना चाहिए, फुल स्टैक डेवलपर बनना है हमने, हमें थॉट पर पता चल गया हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि फुल स्टैक डेवलपर बनना है और क्यों बनना है, ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हमें देखना है कि बनने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, किस स्किल की तरफ जाना है। फुल स्टैक डेवलपर पीएचपी भी आप बन सकते हैं, लारावेल का भी फुल स्टैक डेवलपर है, हमें किस चीज का फुल स्टैक डेवलपर बनना है वो अब हम यहां से देखते हैं कि वो क्यों बनना है। मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज जो इस थ्रू द वर्ल्ड है वो प्रोग्रामिंग हो, वो स्क्रिप्टिंग हो, वो मार्कअप लैंग्वेज हो, सही है। उसमें सबसे ज्यादा जो टॉप रेटेड लैंग्वेज यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है, उससे नीचे देन पाइथन। कभी पाइथन नंबर वन पे थी, जावास्क्रिप्ट में उसको ओवरकम कर लिया, जावास्क्रिप्ट के साथ कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने जो अपनी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, तो उस वजह से जावास्क्रिप्ट पॉपुलर बन गई। आज से कुछ 3-4 साल पहले सॉफ्टवेयर हाउसेस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर हाउसेस एंगुलर के ऊपर शिफ्ट थे, एंगुलर एक लैंग्वेज है उसके ऊपर वो काम कर रहे थे पूरे सॉफ्टवेयर हाउसेस। जब 2014 में रिएक्ट जेएस इंट्रोड्यूस हुई, अब रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है या हो सकते हैं, तो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर हाउस जो एंगुलर के ऊपर काम कर रहे, लगता ही नहीं था कि एंगुलर ड्रॉ जाएगी, लेकिन रिएक्ट जेएस ने उसको ओवरकम कर दिया, बहुत नीचे ले गया एंगुलर को, सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस अब रिएक्ट जेएस के ऊपर शिफ्ट हो गए। अब हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता रिएक्ट जेएस क्या है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही पता होता रिएक्ट कौन सी लैंग्वेज है, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो आईडिया नहीं है ना, क्योंकि आईटी से हम बहुत पीछे हैं पाकिस्तान ना भी, तो इसीलिए ये कोर्सेज आई थिंक अब करवाना शुरू कर दिए हैं, और ये एक इंशाल्लाह आप हमें सारा कुछ सिखाएंगे, हम सीख जाएंगे जो जो भी नहीं पता आज काफी कुछ पता चल गया। इंफॉर्मेशन गाइडलाइन नहीं मिलने का अब इसके बाद हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे डेटाबेस आ जाती है जो आपके बैकेंड के लिए यूज होती हैं, फायरबेस आ गया, MySQL, PostgreSQL और MongoDB, ये सबसे ज्यादा डेटाबेस जो है वो यूज होती है। अब हम जाते हैं फुल स्टैक डेवलपर के लिए, नीचे इन्होंने कुछ सर्कल्स में कुछ चीजें मेंशन की हुई हैं तो मैं आपको वहां पर ले जाता हूँ। जावास्क्रिप्ट क्यों पॉपुलर है उस चीज के ऊपर आप हम जा रहे हैं और क्यों सीखनी है हमने जावास्क्रिप्ट और कैसे उसकी वर्थ और वैल्यू इतनी ज्यादा है। अब ये आपके पास एक सर्कल शो हो रहा है ऐसे ही है, ये सर्कल शो हो रहा है ऐसे ही है। अब इसमें देखें HTML CSS का ग्राफ, इसमें उन्होंने बताया कि टोटल जितनी भी लैंग्वेजेस है ना सबसे ज्यादा डिमांड किसकी और कौन कितना परसेंट अपना रोल अदा कर रहा है आईटी की फील्ड में, टेक की फील्ड में, किस लैंग्वेज का कितना परसेंट हिस्सा जो है वो अपना अदा कर रहा है। अब इसमें देखें हम सी शार्प की तरफ जाते हैं जो हमें यूनिवर्सिटी में बेसिक लेवल पे सिखाई जाती है, सी सिखाई जाती है हमें ICS में और वो भी पूरी नहीं सिखाई जाती, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसके बाद हमें बताई जाती है C++, ये यहां पे आपके पास। अब HTML CSS का रोल देखें,
फिर जावास्क्रिप्ट का रोल देखें। अब जावास्क्रिप्ट का रोल के साथ साथ आप देखें ये नोड जेएस क्या है, ये भी एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो बैकएंड के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आप आ जाए यहां पे, ये जितने भी आपके पास है जावा आ गई आपके पास। अब सबसे ज्यादा इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सबसे ज्यादा जो ग्राफ है वो जावास्क्रिप्ट का है। जावास्क्रिप्ट को नोड जेएस के साथ मिलाएंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं ऐसे ही। अब ये इतनी पॉपुलर क्यों है, इसने इतना एरिया क्यों कवर किया हुआ है, उसकी रीजन हमें नेक्स्ट सर्कल में मिलेगी। ये आपकी डेटाबेसेस आ गई जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, प्लेटफॉर्म्स आ गए आपके पास, और यहां पे आपके पास आ गए वेब फ्रेमवर्क्स जो आपको एक ईजनेस प्रोवाइड करते हैं, जिनको यूज करते हुए आप अपनी एक एप्लीकेशन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे ले जाते हैं। लाइक फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, ये जितनी भी एप्लीकेशन बनी हुई है किसी कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ नहीं बन सकते, इनके साथ फ्रेमवर्क लाइब्रेरी का अटैच होना जरूरी है। और जो रिएक्ट जेएस को इंट्रोड्यूस करवाया वो फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाया, आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी नेटफ्लिक्स, ये सारे रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के ऊपर बिल्ट इन है। और इसमें वेब फ्रेमवर्क की अगर बात करो तो सबसे ज्यादा वेब फ्रेमवर्क इसमें कौन सा यूज हो रहा है, रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। व्यू जेएस क्या है, अगेन जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। एंगुलर, ये जेक्यूरी क्या है, अगेन जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। एक्सप्रेस क्या है, अगेन नोड जेएस का फ्रेमवर्क। इन इसको जेक्यूरी, एक्सप्रेस को, व्यू जेएस को और रिएक्ट जेएस को अगर आप कवर करते हैं तो 60-70% सर्कल यही फिल करते हैं, और ये सारा कुछ जावास्क्रिप्ट है। इसलिए जावास्क्रिप्ट टॉप रेटेड है, इसलिए जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, और फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट करना इसलिए जरूरी है। और फुल स्टैक डेवलपर की जो डोमेन है, सबसे पहले जो डोमेन है उसमें फ्रंट एंड डेवलपर है, उसके लिए आपको जरूरत है HTML CSS की, देन जावास्क्रिप्ट की, देन आपको जरूरत है उसके फ्रेमवर्क की लाइक jQuery, React JS, Redux, MaterialJS, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। फिर उसके बाद आप बैकएंड में जाते हो तो जावास्क्रिप्ट Node.js, JWT ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं तो वहां पे जावास्क्रिप्ट का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन में जाते हो React Native आपके पास आती है। अब रिएक्ट नेटिव क्या है, वो भी जावास्क्रिप्ट है, वहां पे भी सारा जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट इतनी ज्यादा पॉपुलर है, और फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए ये जो लैंग्वेजेस हमने सीखनी है उनको सीखने के बाद ही हम फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे, और उसके बाद आपकी जो वर्थ और वैल्यू है वो कैसे बनेगी और उसकी डिमांड कितनी है, पाकिस्तान में उसकी क्या वर्थ और वैल्यू है, आउट ऑफ कंट्री क्या वर्थ और वैल्यू है, हम वो देखते हैं। रोजी कार्ड पीके का तो सबको पता होगा यहाँ पे। हम यहां सबसे पहले सर्च आउट करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर को कि उसकी मार्केट वैल्यू और वर्थ क्या है, सही है। तो हम यहां पे आके देखते हैं और ये पाकिस्तान की मार्केट वर्थ वैल्यू है। ये आपके पास एक फ्रंट एंड यूआई डेवलपर जिसको इसको कहा हुआ है, ये यहां पे जॉब ओपन होगी। इसकी सैलरी पैकेज क्या लिखा हुआ है यहां पे,
जो उन्होंने ऑफर की हुई है 40 to 60 और उसकी हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आ गए यहाँ पे। स्किल्स देख रहे हैं, कौन से स्किल्स हैं इसमें? वही स्किल्स जिनको हमने अभी देखा है, और ये स्किल्स सीखने के लिए आपको 4 to 6 months की ड्यूरेशन तक है, तो इस जॉब के लिए आप एप्लीकेबल हो। जब वो अपडेट ही नहीं है तो वो तो वही चीज पढ़ेंगे ना जिन जो उन्हें आती है। अब ये देखिए, हमें पीएचडी करने वाले पर्सन को हम कहते हैं बड़ा अच्छा पर्सन है, 30+ हो गया, स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी उसकी? 1 to 1.5 lakh होगी। ऐसे ही है फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी, जो आफ्टर 1 year अगर आप स्टार्ट करते हो, आफ्टर 1 year फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी 3 lakh to 5 lakh है पाकिस्तान में, और वो भी 1 साल के अंदर आप बन सकते हैं फुल स्टैक डेवलपर, कोई इतने ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूरत नहीं है उसमें। तो ये वर्थ और वैल्यू फुल स्टैक डेवलपर की। कोई आपसे डिग्री नहीं पूछेगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया, जस्ट आपसे पूछेगा क्वेश्चन होगा स्किल्स के ऊपर। फुल स्टैक डेवलपर है, ये लैंग्वेजेस है, ये परफॉर्म कर देंगे, आता है ठीक है ओके। लाइक इसकी मैं कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ, एक आपकी मोबाइल शॉप है किसी ने ओपन की है, अब इसको हम इस तरह से मैं प्रोवाइड करके देता हूँ, मोबाइल शॉप ओपन की उसे एक पर्सन की जरूरत है जो उसका मोबाइल रिपेयर करके दे। अब एक पर्सन आता है, वो कहता है मैंने मोबाइल के बारे में पढ़ा हुआ है सारा, कभी मैंने मोबाइल का पेज भी नहीं ओपन किया। अब उसे जरूरत है एक बंदे की जो उसका काम देख सके, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, उसने रिपेयरिंग के लिए बंदा आया था करने, वो उसे जॉब तो नहीं देगा। एक पर्सन आता है, वो कहता है मैं मैट्रिक पास हूं, मैं 2 साल से मोबाइल हर तरह का मोबाइल ओपन कर रहा हूँ, वो उसे चेक भी कर लेता है कि बाकी ये हर तरह का मोबाइल ओके कर लेता है, सॉफ्टवेयर अपडेट हार्डवेयर ईच एंड एवरीथिंग जो भी इसका मसला वो सॉल्व कर लेता है, एक्सपर्ट बनता है, इसे काम आता है, डिग्री कोई नहीं है इसकी मोबाइल में, वो किसे प्रेफर करेगा? उसके पास स्किल्स है ना सिर्फ। अब उसका सैलरी पैकेज वो शॉप वाला डिसाइड करेगा या वो डिमांड करेगा? क्यों डिमांड करेगा? क्योंकि उसे अपनी वैल्यू पता है। हमारे यहाँ क्या होता है 20-25 हज़ार की जॉब मिलते बस। नहीं सर, आज भी 20-25 हज़ार नहीं वैसे यही है, 30 की मिलते 40 की मिलते, इतने में मेंटालिटी मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स की यही मेंटालिटी है। और उसमें जो आधे से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो अंडर ग्रेजुएट है, एक्सपीरियंस है, फुल प्रोफेशनल है, 1800 वहां पे, और वहां पे जॉब इंटर्नशिप लेने के लिए भी एक बंदे को एक्सपीरियंस होना जरूरी है, फिर वहां पे वो इंटर्नशिप देते हैं, विदाउट एक्सपीरियंस ग्रेजुएट फ्रेश ग्रेजुएट को इंटर्नशिप भी ऑफर नहीं करते। सबसे बड़ा और हमारे ग्रेजुएट होने वालों की तादाद हमारे यहाँ आईटी का स्कोप जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारी वर्थ और वैल्यू इसीलिए तो डिग्रेड है,
अब ये आपकी क्या तो अब हमने इस कोर्स में कितनी लैंग्वेज सिखाने का पड़ा 3 महीने का ड्यूरेशन है उसमें आप मराठी का कोर्स कर रहे हैं 3 महीने के बाद हम क्या इस काबिल हो जाएंगे कि मतलब हमारी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाए क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हैं और मतलब स्टूडेंट स्टडी के साथ तो हम ये भी करना चाह रहे हैं वो जरा यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं फाइवर को फाइवर का बताओ तो सुना होगा ऐसे ही है यहाँ मैं एक्चुअली लिखा हूँ पीएसटी को एक्चुअली हूँ ठीक है अब ये जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ये फाइवर के ऊपर जितने भी हैं पीएसटी को एचटीएमएल का पर्पस ये है कि जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल आती है एक ही चीज आपको सही है फोटोशॉप में एक फाइल बनी हुई है एक डिजाइन बना हुआ है उसको आपने एचटीएमएल में कन्वर्ट करके देना है बिजनेस प्रोटेक्शन और ये सीखने के लिए आपको एक मंथ दरकार है जस्ट 1 मंथ और 1.5 मंथ डिपेंड ऑन दिस स्टूडेंट कि स्टूडेंट किस तरह से लेना चाहता है स्टूडेंट जितना अच्छा परफॉर्म करेगा इसमें कोई जरूरत नहीं है कि उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज हो फ्रॉम बेसिक हम ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को फ्रॉम वेरी बेसिक कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता ना अंडरस्टैंडर्ड आफ्टर 1 मंथ जो उसका लेवल होगा वो एक ग्रेजुएट पर्सन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा इस चीज को आप सर्च आउट करके कंप्लीट करके एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडरस्टैंडर्ड इवन ग्रेजुएशन उसने बेशक यूनिटी से भी की हुई है जिसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो बच्चा मैट्रिक है जिसने 1 मंथ से एचटीएमएल सीएसएस सीखी है कुछ और भी नहीं सीखा उस बंदे से पूछेंगे वो कहेगा मैं एचटीएमएल का एक्सपर्ट हूं अपने आप को रेट भी जबरदस्त करेगा क्यों क्योंकि उसे जितना सिखाया गया है उसे उतना ही पता है अंदर नहीं पता कि एक मॉड्यूल को जब हम सीखने जाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको हमने डिटेल में जाके कैसे सीखना है जब तक डिटेल हम नहीं सीखेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इस स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर अबूर हासिल करते हैं या हमारी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है इसके ऊपर जबरदस्त है हमें जो बताया जाता है हमारे सामने एक विजन दे अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूं एचटीएमएल सीएसएस ये है जावास्क्रिप्ट ये सारा भी है आपको अंदर नहीं पता क्या क्या है मैं आपको हफ्ते के अंदर एक चीज करवा दूं कि ये एचटीएमएल सीएसएस आपकी कंप्लीट हो गई है आपको वो जबरदस्त आती है आपको अपने आपको 10 बाय 10 रेट करेंगे ना कॉन्फिडेंस होगा ना जब इंटरव्यू देने जाएंगे वो पर्सन पूछेगा कि अच्छा एचटीएमएल सीएसएस आती है इसका मतलब ये एक मॉड्यूल आपका कंप्लीट है जब वो मॉड्यूल कंप्लीट है वो उसकी डेप्थ तक जाएगा आपको बेसिक तो पता होगा जितना मैंने करवाया होगा उसके आगे क्या हो रहा है आपको नहीं पता आप सुन के भी होंगे कि ये भी अच्छा इसमें ही है और ऐसा मैंने देखा है ऑब्जर्व किया इंट्रोड्यूस करते हुए तो डेफिनेटली जिसने हमें काम देना है उसने डेप्थ तक जाना है और जिसने यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट डेवलपर की जो जॉब सैलरी है वो 40 to 50,000 डज नॉट मीन कि आपसे वो काम इतने का लेगा वो आपसे काम 1.5 लाख 2 लाख का लेगा इसमें एक प्रोजेक्ट की वैल्यू ये है इसमें एचटीएमएल सीएसएस का जैसे ये एक प्रोजेक्ट है जिसकी इन्होंने यहाँ से आप ये स्टार्ट हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स तो एक प्रोजेक्ट जो है वो 10,000 का फॉर एग्जाम्पल तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस में बनाने के लिए 2 से 3 घंटे दरकार है इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज में अगर आपने एक्सपर्ट होना है डेडिकेशन का होना जरूरी है और जो काम आपको दिया जा रहा है उसके ऊपर एक्सपर्ट होना जरूरी है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें फाइबर के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है अपवर्क के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है टोपर के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है ट्यूरिंग के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम प्लेटफॉर्म अवेलेबल है अब जैसे हम ये रोजी डॉट पीके पे गए हुए थे ना अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अब हमारे यहाँ जो चीज है एक चीज आपको यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ देखें ये मैंने कुछ जॉब सर्च की फ्रंट एंड डेवलपर की अब ये जॉब का पोस्ट हुई थी अब इसी तरह जाते जाए ये जनवरी 14 को अभी पोस्ट हुई है इसकी सैलरी पैकेज भी समाउ सिमिलर है फ्रंट एंड डेवलपर की अब इसमें जाते जाए आप नीचे ये जनवरी 10 फोर 30 दिसंबर अक्टूबर की भी अभी पड़ी है उन्हें डेवलपर नहीं मिला मार्केट में डेवलपर है ही नहीं डेवलपर्स होंगे तो उन्हें मिलेंगे इंटरव्यूज कर करके थक जाते हैं उन्हें डेवलपर नहीं मिलता डेवलपर उस वक्त ही मिलेगा ना जो अपने स्किल्स में एक्सपर्ट होगा
दोनों ही रोल से रखेंगे क्योंकि उन्होंने तो काम लेना है। और किसके जॉब आवर्स कितने सॉफ्टवेयर हाउस में 8 आवर्स, उसमें भी 1 घंटा आपका रिलैक्सेशन पे 8 घंटे में, जो क्योंकि जो एक्सपर्ट बनता होगा उसने 8 घंटे में अपना काम कर देना, इससे ज्यादा आपको वो नहीं कहेंगे, इससे ज्यादा अगर बिठाएंगे तो वो उसका एक्सटर्नल पे करेंगे, ऐसे नहीं आपकी इजाजत के बगैर नहीं बिठा सकते। तो वहां तक जाने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो हमारे पास स्किल्स का होना जरूरी है हमारे पास। जी सर, दो क्वेश्चंस हैं, एक के ब्लॉकचेन का जो डेवलपर है वो राउंड अबाउट कितना एक्सपेक्ट कर सकता है ब्लॉकचेन का डेवलपर स्पेसिफिकली, एंड सेकंड इज दैट प्लीज एक्सप्लेन एनएफटी लिटिल बिट कि वो क्या है। अब जो आपका ब्लॉकचेन का डेवलपर है, ब्लॉकचेन आता है आपका इस वक्त जो एक ट्रेंड है इस वक्त ब्लॉकचेन का आपके उसमें, तो उसमें जो आपके वॉलेट्स क्रिएट होते हैं जितने भी आपकी ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि वो आपकी सीक्रेट कीज जनरेट हो रही होती है, एक चेन डेवलप हो रही होती है स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, सही। उसके जो एक्सपेक्टेशन है इस वक्त और आने वाले दौर में ब्लॉकचेन डेवलपर्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बात ना अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर है तो आपकी 100, 200, 300 के, अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आप हैं, आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा कि आप क्या हैं। एक रिएक्टजेस का डेवलपर है उसकी जॉब सैलरी 30,000 की है, एक रिएक्टजेस का डेवलपर है उसकी जॉब सैलरी 1,00,000 की है, एक 1.5 लाख के ऊपर भी काम कर रहे, तो वो चीज मैटर करती है कि आप किस चीज में जाएंगे। तो जितना आपके पास स्किल्स हैं, जितना आपने उस स्किल्स को यूटिलाइज किया है, जितना आपके पास उस स्किल्स के ऊपर नॉलेज है, लॉजिक थिंकिंग स्किल्स आपके पास अवेलेबल है, एक वे ये है कि आप सिर्फ अपने काम को कर सकते हैं, एक वे ये है कि आप लोगों को लेके चल सकते हैं, दूसरे जो उनके पास जूनियर डेवलपर्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपके वर्क पर वैल्यू बनेगी। तो डेवलपर्स की जो कैटेगरीज है, जो आपका पैकेज डिपेंड होता है, वो आपके स्किल्स के ऊपर है, आगे आपकी स्किल्स की जो आपके उनके ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है जो उसमें क्लैरिफिकेशन है उसके ऊपर है। जस्ट अगर आप फॉर एग्जाम्पल करते हैं फ्रंट एंड करते हैं, यूआई डिजाइन करते हैं, उसका अलग है, आप उसको बैक एंड के साथ अटैच करके एपीएस के ऊपर काम कर सकते हैं, उसका अलग है। इसी हम ब्लॉकचेन के ऊपर जाएंगे, वहां पे जो आप वॉलेट क्रिएट करते हैं, चैनल थिंक करते हैं, उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सही है सर, एनएफटी। हाँ, अब जो एनएफटी का कॉन्सेप्ट है उसमें आप देखें कि आपकी जितनी भी इस वक्त कम्युनिटी क्रिएट हो रही है वो एनएफटी की तरफ जा रही है, इवन अपवर्क के ऊपर एनएफटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में जा रहे हैं। सही है, अब एनएफटी के ऊपर आपके जो जनरेटिंग है, जो सिस्टम्स हैं, जो आपके पूरे के पूरे एप्लीकेशंस हैं, वो एनएफटी की तरफ रुझान उनका बढ़ रहा है। सही है, वो भी सिमिलर लाइक आप उसको कह सकते हैं कि वो ब्लॉकचेन के साथ उसकी सिमिलरिटीज मिलती हैं। अब उसमें जो सिस्टम्स आ रहे हैं वो वेब 3.0 की तरफ जा रहे हैं। वेब 3.0 में आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके पास जो चीजें उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, वो सारी की सारी उस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। सही है, तो उस चीज में आपको एनएफटी, ब्लॉकचेन और एआई जो एक्सट्रीम लेवल पे अब जाना शुरू हुई है, पहले ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू हुई है। सही है, तो उस चीज में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास ये वेब 3.0 अभी इसका बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, इसके इवन एनएफटी के ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, इसको नहीं ले रहे हैं। आने वाले दौर में इसके ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्ड होगी, जैसे अभी फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड है, इसी तरह फिर एनएफटी और ब्लॉकचेन डेवलपर की डिमांड होगी। अब कौन से लोग एनएफटी और ब्लॉकचेन को सीख रहे हैं, जो ऑलरेडी फील्ड में ग्रो कर चुके हैं। सर मैंने मैट्रिक किया हुआ है, तो मैं मतलब इसमें चाहता हूँ कि मैं ब्लॉकचेन की तरफ आऊँ, तो मुझे पहले बेसिक जो है वो फुल स्टैक करना पड़ेगा, उसके बाद मैं ब्लॉकचेन के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकता हूं या डायरेक्टली ब्लॉकचेन को स्टार्ट कर सकता हूं। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, बट उसमें अगर जब जाएंगे आप, आपको पता नहीं है फील्ड में क्या हो रहा है, एक अननोन पर्सन है, आपको वही ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। सही है, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर है तो आपको वही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए 2 से 3 मंथ लगेंगे। सर मेरा एक जान पहचान वाला दोस्त है, 2-3 साल पहले मेरी उससे डिस्कशन हो रही थी, उसने मुझे बताया था कि जब आपने जिक्र किया JWT, जावा वेब टोकन, जावास्क्रिप्ट, जेसन, जी
उसने इस पे काम किया था और उसने जस्ट इसका 50,000 चार्ज कर लिया था एक क्लाइंट से। एग्जैक्टली exactly. तो इसका मतलब उस, और मुझे जहां तक याद है उसने जस्ट एक या दो दिन इस पे काम किया था, दो दिन के काम का उसने 50,000 चार्ज कर लिया था। तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में चलते रहते हैं? एग्जैक्टली चलते रहते हैं। जैसे मैं टोकन अब क्या है, ऑथेंटिकेशन, जो आप गूगल के ऊपर जाते हैं, फेसबुक के ऊपर जाते हैं, लॉग इन करते हैं, ये चीजें अमेजोन के ऊपर लॉग इन करते हैं, राइट? तो वो आपके एक टोकन, आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट के ऊपर अक्सर आप लॉग इन जब होते हैं तो वो कुछ सेकंड्स के बाद अगर आप काम नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली वो आपको लॉग आउट कर देता है। जब आप लॉग इन होते हैं तो वहां पे आपका एक टोकन जनरेट होता है, जैसे जेडब्ल्यूटी का सिर्फ इतना काम है, उसने आपको एक टोकन जनरेट करके दे देना। आपकी जो सिक्योरिटी है वो वेबसाइट के ऊपर भी नहीं जाती, जो क्रिएट करने वाले हैं उनके पास भी नहीं जाती। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, सिम, जो आपकी सिक्योरिटी है, जितने भी हमने साइन अप लॉगिन में अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ आप तक महदूद रहती है। अब वो ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। छोटा सा प्रोजेक्ट भी इस वर्क का हो सकता है, और वो फाइबर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क है, ऐसी अचीवमेंट्स हैं। आप सिंपल एनिमेशन का, CSS में एनिमेशन का काम है, CSS में एनिमेशन एक टर्म है, उसको हम यूज करते हैं, उसके ऊपर आप बंदली सिर्फ CSS एनिमेशन का काम करके, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट कर सकते हैं। रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है, 3 महीने पहले उसने ज्वाइन किया था मुझे, ठीक है? अब उसका मैं आप यहाँ पे CSS एनिमेशन लिखते हैं हम यहाँ पे। सर ये जो आपने JWT के बारे में बताया, इज इट सिमिलर टू ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग? अब जो ये CSS एनिमेशन के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल ये चार्ज कर रहे हैं 4,000 rupees स्टार्टिंग है इसका। अब ये एनिमेशन एक क्रिएट करने के लिए जो इसको टास्क मिलेगा उसको आधे घंटे से एक घंटा चाहिए। तो जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, उस हिसाब से आप चार्ज करोगे। शुरू में जब आप फाइवर के ऊपर जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आप फ्रीलांसिंग में जाओगे, आपके पास जो प्रोजेक्ट शुरू में आपको अपनी प्रोफाइल ग्रो करनी है एज अ फ्रीलांसर, उस वक्त आपका सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए कि मैंने अर्निंग इंक्रीज, मैंने अपने फाइबर की प्रोफाइल ग्रो करनी है, रैंक करनी है, उसमें मुझे रिव्यूज चाहिए। जितने आपके रिव्यूज बढ़ते जाएंगे आपकी प्रोफाइल ग्रो होती जाएगी। आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं कहां से रन होंगे? ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पकड़ के। हमने अक्सर सॉफ्टवेयर हाउस के देखा होता है जी, कैनेडा में हमारे बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, शो किया होता है ना, क्या हो रहा होता है वहां पे? उन्हें सिर्फ एक क्लाइंट मिला हुआ होता है वहां से। अब वहां से वो प्रोजेक्ट करते हैं डॉलर्स में, इसके अलावा वो सिर्फ उस चीज को शो करते हैं। जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, मोस्टली सॉफ्टवेयर हाउसेज आपके अपवर्क के थ्रू चल रहे हैं। फाइबर जो है वो बिगनर लेवल का फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। आपकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी अपवर्क के थ्रू चलती है, अपवर्क भी एक फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म ही है। तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर हाउसेज के, मोस्टली सॉफ्टवेयर हाउसेज के प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, वो टोटली अपवर्क इंडिपेंडेंट होते हैं। और इस वक्त दुनिया में जहां भी आपने काम करना है, क्लाइंट्स को इस चीज से अवेयर नहीं है कि डेवलपर कहां बैठा हुआ है। रिमोटली बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, घर बैठ के काम करें। जब आपके पास 3 महीने के बाद आप अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं HTML, CSS और JavaScript, आपके पास प्रोजेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, आपके 2-3 क्लाइंट्स बन जाते हैं एक साल में। अब वो 2-3 क्लाइंट्स आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोजेक्ट्स देंगे। अब वो बीइंग अ सिंगल एंटिटी आप उसको अचीव नहीं कर सकते, आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली थॉट प्रोसेस जाएगा ना, मेरा एक ऑफिस और छोटा सा, मैं 2-3 बंदे और रख लूं, मैं सिर्फ आप प्रोजेक्ट लूं और इनसे करवाऊं, क्योंकि आपका एक प्रोसेस जो है, एक ट्रस्ट जो है, वो क्लाइंट्स के साथ बिल्ड हो चुका है। तो यहां से फिर कंपनीज ग्रो करती हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, इवन आप नेटसोल की एग्जांपल ले लें, बैंक की जॉब छोड़ के वो पाकिस्तान में आए, उन्होंने अपना स्टार्टअप लिया यहाँ पे, उनके पास भी कोई क्लाइंट्स नहीं था, एक छोटा सा ऑफिस था, गिव अप करने का भी सोचा, उन्हें एक अच्छा क्लाइंट मिल गया। आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उन्हें एक सिर्फ अच्छा क्लाइंट मिल गया।
उसकी वजह से वो ग्रो करना शुरू कर दिया उन्होंने, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उसका जो इन्वेस्टर स्टार्टिंग में उसने खुद काम किया साथ, उसने जो लगे वो खुद मैनेज कर रहा था हर एक चीज, अब उसे भी वो काम नहीं आता जो उसकी टीम कर रही है। एग्जैक्टली, बट उस सेटअप को बिल्ड करने में स्टार्टिंग में वो खुद सीईओ भी खुद था, अपना काम भी वो खुद कर रहा है, हर एक चीज मैनेज भी खुद कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग वो खुद देख रहा है, एट द एंड ऑफ द डे वो काम पे बैठा है। अब वो हर एक काम करने के लिए उसका एक सेपरेट सेपरेट बंदा है। स्टार्टिंग में आपको खुद काम करना है, हर एक चीज को खुद देखना है, मार्केटिंग को भी खुद देखना है, पर्सन को भी खुद डील करना है, हर एक चीज को खुद डील करना है, जो काम भी आप जो भी विजन में जिस गोल के ऊपर काम कर रहे हैं। एक स्टेज आएगी अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो उस स्टेज के ऊपर जाके आप अचीव कर जाएंगे वो गोल अपना। और किसी का प्रश्न कुछ नहीं? किसी सर, सर डेटाबेस साइंटिस्ट एक टर्म यूज होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, वो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में आता है? डेटाबेस साइंटिस्ट, डेटाबेस साइंटिस्ट किस किस वे में आप उसे यूज करना चाहते हैं? प्रोटोकॉल के डेटाबेस साइंटिस्ट है, डेटाबेस को आपका डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती है सर। एक टर्म यूज होती है डेटाबेस साइंटिस्ट के नाम से, मैंने एक फ्रेंड है मेरा उसने मेंशन किया था कि वो डेटाबेस साइंटिस्ट के तौर पे यूएस की कंपनी में काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी काफी ज्यादा है। तो इस टर्म के बारे में ये कौन सा जी अर्थगुल हैकर? अच्छा, उसके अंदर अर्थगुल साहब बोल रही है सर, ये यही कराता है। इसमें जो हमारा थ्योरेटिकल सेशन था वो ये था, इसके अलावा थ्योरेटिकल होता नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं होती ये चीज, सही है। इसके अलावा जो बात होंगी वो प्रैक्टिकल के ऊपर होंगी, वो सीखने के ऊपर होंगी। और आफ्टर वन वीक आप एक ये वेबसाइट देख रहे हो, लाइव पड़ी हुई है, किसी डेवलपर ने किसी कंपनी के लिए बनाई है, देखने में अभी ये आपको कैसे लग रही है? लग रही है ना? आफ्टर वन वीक आप ये चीज अचीव कर लेंगे, कुछ भी नहीं पता आप ये कैसे बनाएंगे, क्या यूज होगा क्या नहीं होगा, हर एक चीज जैसे ये नजर आ रही है वैसे की वैसे आप आफ्टर वन वीक बना के बैठेंगे। एग्जैक्टली, और चूज किसको करेंगे? एचटीएमएल सीएसएस को, और उसमें किस चीज को यूज करेंगे? चार प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम, मार्जिन, पैडिंग और कुछ दो तीन और प्रॉपर्टीज हैं डील्स के जो हम दो दिन के अंदर सीख लेंगे। तीन मंथ में जो आप सीखेंगे उसमें मैक्सिमम जो हम प्रोजेक्ट्स कवर करेंगे, ट्रेनिंग जो होगी वो टोटल प्रोजेक्ट बेस्ड होगी, और आपको बताया जाएगा आप खुद प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। तीन मंथ में फुल स्टैक भी पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाने को पर्पस जो होगा वो हमारा ये नहीं होगा कि पढ़ाना है, पर्पस होगा कि आपको आना चाहिए, हमने पर्पस की तरफ जाना है, और पर्पस की तरफ जाने के लिए हमें एचटीएमएल सीएसएस और हम जस्ट जावास्क्रिप्ट को ही कवर कर सकते हैं तीन मंथ में, और जावास्क्रिप्ट भी एडवांस लेवल की नहीं होगी उसमें, क्योंकि एडवांस जाने के लिए ये जोकर छोड़े और एडवांस जावास्क्रिप्ट में जाने के लिए तो हमें वो टाइम की जरूरत है। लेकिन एक आप फ्रंट एंड डिजाइनर नॉट डेवलपर, डिजाइनर के तौर पे आप आफ्टर थ्री मंथ्स काम कर सकते हैं, जस्ट फ्रंट एंड डिजाइनर के तौर पे, जिसका काम होता है कि डिजाइन बनाना, लाइक ये आपको एक नजर आ रहा है ये एक डिजाइन है, आपको ये डिजाइन मिल गया आपने ये बना के देना, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे मैक्सिमम वो 50 के राउंड अबाउट प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम कवर करेंगे, और उसके बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा
मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद ज़हर यूसुफ है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और इसके अंदर क्या नाम वेब डेवलपमेंट में अंदर इंटरेस्ट है मेरा, तो इसके मैंने सोचा कोर्स स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आपको एक और बात बताता हूँ, इस फील्ड में आती एक तो होता है ना एज फैक्टर, एज मैटर नहीं करती इस फील्ड में, एज बिल्कुल मैटर नहीं करती, आपकी कोई भी एज आप कर सकते हैं, 40 ईयर, 50 ईयर, 35 ईयर वाले स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया, मैट्रिक वाला बच्चा भी ये कर सकता है, मिडिल वाला भी ये कर सकता है, इजीली कर सकता है, कोई इसमें वो नहीं है, बल्कि मैट्रिक वाला बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मेरे पास एक स्टूडेंट डीपीएस है आपके दोनों, उनके जो वहां पे प्रिंसिपल है उनका एक बच्चा आया था, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम भी दिया था उन्होंने, तो अब वो जो बच्चा है वो अपने जो उनका कंप्यूटर साइंस में बच्चा कर रहा था ना समर कैंप था उस दौरान, वो उसे एडमिशन करवाने आए थे, साथ उनका छोटा बच्चा भी आ गया, उन्होंने जब उसे देखा तो उसने कहा कि चलो ये भी ऐसे ना भाई के साथ आ जाएगा कर लेगा। अब वो यूनिवर्सिटी उसके फ्रेंड्स भी हैं सारा कुछ है, उसने उसको देखना है, ये काम होता है डिजाइनिंग का इंटरेस्ट का, और बच्चे बड़ा अच्छा तरीके से करते हैं, तो उसने इंटरेस्ट छोड़ दिया। एट द एंड इन शॉर्ट के जब माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम हुआ, जिस एग्जाम की मैंने बात की थी, आज फकरी ने जो एग्जाम किया वही एग्जाम, उसमें जो उसका बड़ा भाई था उसके मार्क्स कम थे और छोटे के ज्यादा थे, और इसमें सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती है वो ये करती है, अगर आपने छुट्टी कर ली फॉर एग्जाम्पल तो आप गए काम, छुट्टी के अलावा बाकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरी होती है स्टूडेंट के लिए, छुट्टी ना करे अपना 100% दे आज, बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि उसने काम पे जाना है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है हम दूसरी तरफ ले जाए, हम अपने देखते हैं, हम बके अजीजों बारे में देखते हैं, घर में देखते हैं, समटाइम हमें ऐसा फील होता है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं हर एक चीज को अच्छे से मैनेज करता हूँ, फिर भी मेरी वो वैल्यू नहीं है जो उस दूसरे पर्सन की है, हमें फील आती है, हम खुद से सोचते हैं ऐसा क्या है इस चीज में कि मैं तो इतना वो हूं सारा कुछ हूं, उसमें भी हमारी आजमाइश हो सकती है। इज्जत का कॉन्सेप्ट अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है, सिमिलरली लाइक दैट जो आपका रिस्क का कॉन्सेप्ट है वो भी अल्लाह के पास है, हमारे हाथ में है अपने डायरेक्शन को सही करना, जो चीज मार्केट में इन है, जो चीज हमें सीखनी चाहिए हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो रिस्क मिलना है, जो जहाज जो चीज मिलनी है वो अल्लाह ने हमको देनी देनी है। हो सकता है आप फुल स्टैक डेवलपर बनने के बावजूद भी आप कुछ ना कर सके, आपका रिस्क ही किसी और जगह पे रखा हुआ है, हो सकता है हम फुल स्टैक डेवलपर बन जाए, हम ये सारा कुछ करने बहुत अच्छे स्टार्ट रहे, कोई हमारी एक ऐसी गलती हो, कोई एक ऐसा गुनाह हो जो हम झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी सिर्फ इस सेंस में नहीं लेना कि मैंने ये कर लिया तो मेरे में कामयाब हो जाऊंगा, हमारा कोई एक ऐसा फेज कोई ऐसा अमल हो सकता है जिसको हम अगर यूटिलाइज कर रहे होंगे जिसकी वजह से क्या हो सकता है हमारे रिस्क की बंदिश हो। तो हर एक चीज को अपनी लेके चलना है, हर एक चीज को हमें सेट करना है, फिर ही काम करना है। सर कुछ बच्चों के माइंड ऐसे होते हैं कि ये बच्चा इसने मीम मार्केटिंग सिखाई है एक बच्चे को और उस बच्चे ने उसी के ऊपर मीम बनानी शुरू कर दी वो बस हर एक अपना वो होता है उसने किस चीज को कैसे लेके चलना है। एट द एंड ऑफ द डे जब स्टूडेंट जितने भी होते हैं ना कामयाब जब हो जाते हैं ना स्टूडेंट टीचर का कभी सगा नहीं होता,
हो ही नहीं सकता। उसे लगता है ये जो मेरे लिए ना बस एक जालिम उस पार गिर रहा है जो मेरे पीछे पड़ गया, इससे जाके छुपी बिल्कुल। लेकिन जब वो कामयाब हो जाता है फिर उसे समझ आती है कि क्या हो गया ऐसे। और अल्टीमेटली ये जो एक टीचिंग की फील्ड है, आप कुछ भी सिखा रहे हैं किसी को, खुद इस काबिल नहीं है कि हम सिखा रहे हैं, ये अल्लाह ने जरिया बनाया हुआ बस। अल्लाह ने एक तरीका बताया कि अल्लाह ने वो नॉलेज दिया किसी भी चीज में जा सकते। आपकी बात को थोड़ा सा आगे करने के लिए, मेरा एक टीचर थे इंग्लिश का, वो उसने मुझे सिक्स क्लास से टेंथ तक पढ़ाया था इंग्लिश में, तो बहुत अच्छा टीचर था। आज से कुछ तीन चार या छः महीने पहले मैं मुझे पता चला कि वो रिटायर हो गए, प्रिंसिपल थे, बन चुके थे उधर हाई सेकेंडरी स्कूल के। तो मैंने उनको अपनी दावत पे घर बुलाया, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे और उन्हीं की मोटिवेशन की वजह से हम काम करते, हकीकत ये ऐसे ही है। तो ये भी पैगंबरों का शौक है। टीचर कोई जो भी बातें होती हैं या जो कुछ वो बता रहा होता है वो उसके पास अल्लाह की तरफ से आ रहा होता है, वो खुद नहीं बता रहा होता। समटाइम वो कुछ ऐसी बातें भी कर देते हैं वो सोचने में मजबूर रहते हैं, ये मैंने कैसे बोल दिया, ये कहां से मैं बोल सकता, मैंने तो सोचा भी नहीं था इस बारे में, मैं ऐसी भी कोई बात बता दूं। और उसकी कोई एक बात एक बच्चा पल्ले बांध लेता है वो कामयाब हो जाता है। अब टीचर्स खुद जो है वो कोई टीचर डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन उनके स्टूडेंट्स डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, सारा कुछ है। अब वो जितने भी स्टूडेंट टीचर्स ने उनकी रहनुमाई की है वो सबका एक अपना अपना रोल है जिसने उस बच्चे को कामयाब बनाया। सर जहां तक मुझे पता है इस फील्ड में, डेवलपमेंट की फील्ड में खासतौर पर मोटिवेशन की बड़ी जरूरत होती है, बिकॉज हमें अगेन एंड अगेन मसले मसाइल को फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए आपकी क्या राय है कि हम किस तरीके से अपने आप को, क्या बात जब हम कोई चीज फिक्स करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रही तो उसमें मतलब हम अपने माइंड सेट क्या बनाएंगे, क्या रीजन है जब दोबारा मोटिवेट हो जाए उस चीज पर मेहनत करने के लिए। बूट कैंप का जो कंसेप्ट है बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं वो है फॉरेन कंट्रीज का, सिलिकॉन वैली से आया है जी जी। और कनाडा में एक बूट कैंप है, उसकी जो टीचर है एंजेला, वो जब लर्निंग कर रही थी ना एचटीएमएल सीएसएस में, एक प्रॉपर्टी जब हम लिखते हैं तो एक कोमा देना होता है उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी वर्क करती है, वरना वो नहीं करती, एक छोटे से एक कोमा देना होता है उसमें। अब उसने वो कोमा नहीं लगाया, उसकी वो गलती आ रही है, वो फॉल नहीं कर पाती, एक दिन दो दिन तीन दिन, आफ्टर थ्री डेज उसे जाके वो गलती डिटेक्ट हुई कि उसने सिर्फ और सिर्फ ये गलती की थी। वो तीन दिन लगातार उसको लगी रही उसको सर्च करने में कि क्या गलती, बार बार उसने कोड लिखा, 20 बार उसने लिखा। तो उसके बाद जाकर एनालाइज क्वेश्चन करना चाह रहे सर, थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन भी हमें डिस्कस कर लें। कोर्स आउटलाइन में ये है कि आप वो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट बेसिक एंड उसमें आपके 50 प्रोजेक्ट्स के राउंड अबाउट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़ूम पे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं बच्चे। अच्छा, इनका माइक से रखो, हैंड रेज करो। हां हैंड रेज कर दो, आप बोलेंगे तो वो करेंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल में आप ड्राइंग सीएसएस, तो फिर ये तो फ्रंट एंड जो आप कुछ का रिक्वायरमेंट बना हुई तीन मंथ की ड्यूरेशन में तो यही होगा ना, फ्रंट एंड का कोर्स का कुछ नहीं, यहां पे तीन मंथ की ड्यूरेशन है ना, तो जो तीन मंथ में जो चीजें कवर हो सकती हैं हम उसको ही करेंगे ना। नेक्स्ट इसके बाद अगर फुल स्टैक बनना चाहते हैं तो वो आपको और भी मिल जाएगा, उसके अलावा फिर आप जॉइन कर सकते हैं, अगर फुल स्टैक बनना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो अभी कोर्स है वो वाईएस सर, सर जावास्क्रिप्ट बैकएंड में भी यूज होती है ना, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड है, नोड जेएस बैकएंड में यूज होते हैं जो कि वो जावास्क्रिप्ट का ही एक कारण है। मतलब सर आप इसके अंदर रिएक्ट कॉमोडी भी एक्सप्रेस नोड जेएस वगैरह तो नहीं पढ़ाएं? नहीं, वो तो इसमें पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, मैं एक बोल इसके लिए, इसके लिए जो ना हमारे पास वेब डेवलपर है, इसने आपके जो आपका जो बैकअप है ना इसने रखना है, ठीक
तो ये जो क्वेश्चन ये करेगा ना पीछे से दूसरे चीजों के, तो वो बैकअप पे 24 आवर जो ना वो करेंगे, जो दो डेवलपर है ना वो पीछे से उनको सपोर्ट करेंगे। वो ये करवाएंगे और ये उसको इनको सपोर्ट करेंगे, मतलब ये हम उन्हें नहीं कहेंगे कि हम नहीं करवाएंगे, करवाएंगे अगर वो करेंगे तो टाइम देंगे अपना। एग्जैक्टली ठीक है, ये जरा उनको थोड़ा सा उसी को उसी को ऑन करके उसको जरा बता दो ताकि वो बच्चा क्लियर हो जाए। तो जब ये क्वेश्चन था कि अब आगे करेंगे तो आप फर्स्ट जर्नी में, तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो है ही HTML CSS JavaScript का, आफ्टर जो स्टेप है वो उसके बाद आना React JS MongoDB Node.js, तो जो इंटरेस्टेड होंगे फर्दर वो भी कर सकते हैं। जी जी सी मैम, आपका एक और पॉइंट भी क्लियर कर दूं, मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी टीच किया है, तो मेरे पास एक लास्ट टाइम एक स्टूडेंट आई थी सऊदी अरेबिया से, वो 8 महीने से फुल स्टैक डेवलपर बनना चाह रही थी, यूडेमी की कोर्सेज भी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, बहुत पूरी डिग्रीज भी पढ़ी हुई है, अब वहां से सीख सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं होती। बट जब आप एक 40 मिनट की वीडियो देख रहे होते हैं ना, एक किसी भी बच्चे को बिठा दें जैसे वो कोड लिख रहे हैं, आप ऐसे लिखते जाएंगे, आप वो चीज बना लेंगे। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये नहीं होगी कि आपने वही चीज बना ली, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, उसके लिए हर एक स्पेसिफिकली छोटी से छोटी प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। जो इसमें प्रोग्रामिंग में मेन चीज रोल अदा करती है वो प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट होता है। आप 3 प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उन 3 प्रॉपर्टीज से 10 तरह के डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको उन प्रॉपर्टीज के ऊपर सिर्फ यही उम्र है कि वो चीज ये कर सकती है, तो बस आप वही कर सकते हैं, खुद से उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट्स कर सकते हैं बट मोस्टली जो होते हैं वो नहीं कर सकते। वो मेरे पास स्टूडेंट आई थी, वो मेरे से रिएक्ट नेटिव सीखने हैं, रिएक्ट जेएस भी क्लियर था, जावास्क्रिप्ट भी क्लियर था, एचटीएमएल सीएसएस भी उसका क्लियर था। तो जब मैंने उसको टीच किया, मैंने उसे कहा कि पहले आपका एक ओवरव्यू लूंगा, उसके बाद रिएक्ट नेटिव ही हम स्टार्ट करेंगे। तो जब मैंने उसको ओवरव्यू लिया, तो उसकी जावास्क्रिप्ट भी क्लियर नहीं थी, एचटीएमएल सीएसएस भी क्लियर नहीं थी। अब मैंने पूछा कि कैसे लर्न किया, 8 महीने हो गए, वीडियो देखें, यूडेमी के कोर्सेज देखें, 10 प्रॉपर्टीज लिखी, 10 में से 8 तो समझ आ गई, वो जो 2 समझ नहीं है उनका क्या? आगे वो तो लिखता जा रहा है वीडियो में, अक्सर जितनी भी वीडियो ओपन कर लेंगे उसमें क्या होगा, वो पहले 8-10 लाइनें लिख लेगा, फिर आउटपुट पे जाएगा। अब वो 8-10 लाइनें मिलके एक आउटपुट क्रिएट कर रही है, आपको कैसे पता कि वो 8-10 लाइनों में से एक स्पेसिफिकली लाइन जो है उसका क्या रोल है? वो बहुत कम लोग इसके बारे में, या तो इसका लर्निंग का प्रोसेस ये है जो ऑनलाइन सीखना चाहते हैं उसके लिए ये है कि वो जो एक प्रॉपर्टी उसने लिखी है पहले उसकी कॉज के पीछे जाओ, उसको सर्च करो, उसका कंसेप्ट क्लियर करो, फिर दूसरी पे जाओ, वो एक स्पेसिफिकली आउटपुट ना देखो कि हाँ मैंने ये बना ली। तो उस वे में भी आप कभी भी ऑनलाइन लर्निंग नहीं कर सकते, और ऑनलाइन लर्निंग का मतलब है आप इंडिपेंडेंट लर्निंग करना चाहते हैं, और इंडिपेंडेंट लर्निंग स्टार्टिंग में हो ही नहीं सकती, स्टार्टिंग में आपको खुद सीखना पड़ेगा, हेल्प चाहिए होगी। After full stack developer, आप blockchain सीखना चाहते हैं, आप python सीखना चाहते हैं, आप किसी भी चीज में काम करना चाहते हैं, आपके लिए experience खुल चुका होगा, आप easily चीजों को understand कर सकते हैं, फिर आप सीख सकते होंगे, सही है? तो ये भी आपके लिए एक option है। Assalamualaikum sir. Welcome sir. सर मुझे ये जानना था, अगर किसी बच्चे ने डेफ्टा के थ्रू ही कोर्स किया हुआ है HTML CSS JavaScript एंड किया हुआ है, तो क्या आपका ये इदारा उसे इंटर्नशिप देगा या नहीं? देगा 100% देगा। उसको डिग्री लेके आनी पड़ेगी या विदाउट ऐसे उसका टेस्ट होगा तो आप उसे रख लेंगे? उसका सिर्फ एक टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसने वो जो उसने पढ़ा हुआ है उसके ऊपर ही होगा सर। जस्ट ठीक है सर, इसका एड्रेस तो मेंशन करें, किस जगह से सुना? वेबसाइट पे है, वेबसाइट का एड्रेस लोकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।
ओपनली सर बोल दें, किसी का भी क्वेश्चन है तो कर लें। जी अर्शद, कोई और चीज़ की सेंड कर देंगे? आपने बेटे अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। खड़े हो आप अपना माइक उधर म्यूट कर सकते हैं सर। तो ये तो बात मुनासिब है कि 3 महीने में अगर हम फुल स्टैक को लर्न करने की कोशिश करें तो ये फिर सर फुल स्टैक की रिजल्ट है। लेकिन ये कर रही ये वो लोग हैं जो फुल स्टैक को लर्न करना चाहते हैं, तो आप कोई सेपरेट सा कोई बात डिफाइन करें, वो हो सकता है 3 महीने में बजाय 9 महीने का हो, 1 साल का हो, तो अगर उसको ज्वाइन करें वहां पर हम जल्दी हो गए तो हम एंड इन दी ईयर पहुंच सकते। ये जरूर है कि ये इंटरव्यू के बाद फिर अगली बार बात आती है तो मतलब डिट्रैक्ट हो जाता है, फिर वो निधन साल हो जाता है। ये आप सुन कर लेंगे बोले एक साल का बोर्डर अनुभव हो सकता है। ये जब हम ऐसा 3 महीने करेंगे तो इंशाल्लाह ये रिट्रैक्ट नहीं हो जाएगा। इसमें पहला स्टेप जो है ना हमारा वो यही है कि हमने पहले क्योंकि फुल स्टैक के लिए भी पहली जो जर्नी है वो फ्रंट एंड की है, उसको कवर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ऑलरेडी उसका डिसाइडेड है, उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो स्टूडेंट्स मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 3 महीने के बाद चाहते हैं, आप 1 ईयर का जब हम कैरिकुलम डिसाइड करते हैं उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स की जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि 30,000 के ऊपर जॉब होना शुरू हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब हमारी ये हो गई तो हम उस तरफ जाना चाहते हैं, हमारे लिए इशूज है, हमारे पेरेंट्स के इशूज है, हमें जॉब की जरूरत है, जो फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनका कोर्स कंटिन्यू रहेगा, वो आगे कर सकते हैं। राइट सर? आपको पता ही है क्या सीन था, तो पापा कह रहे थे यार तू मेडिकल रहने दे, तू इस फील्ड में आ। सर मैं मुझे पता मैं ना सीओ हूं तकरीबन, कंप्यूटर में यूज करता हूं लैपटॉप, तो थोड़ा कुछ भी है आपका बैकग्राउंड, आपने MBA किया हुआ है, मेडिकल किया हुआ है, कुछ भी वो मैटर नहीं करता क्योंकि ये बेसिक से ही स्टार्ट है और इसकी जो वर्थ एंड वैल्यू है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है, तो आप इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इवन कुछ भी नहीं पता वो मैंने पहले कह दिया आपको, फ्रॉम वेरी बेसिक से ही स्टार्ट होगा ना ये, तो बेसिक से ही आपको आइडिया मिलेगा इस चीज का। जी किसी और का क्वेश्चन है? क्लोज करें उनको भी जरा बोल दे पूछ ले जरा सबको, और किसी का क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट कर ले और कर ले वरना हम क्लोज कर देंगे। जिन्होंने इंटर्नशिप करनी है वो आके ऑफिस में कर रहे हैं अपना, जो जिस चीज में इंटर्नशिप करना चाहते हैं उसके ऊपर एटलीस्ट स्पेसिफिक टर्म ऑफ नॉलेज होना जरूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा उनका। आज डेमो था जस्ट, तो वीकेंड क्लासेस है सैटरडे संडे, तो आप विजिट कर सकते हैं, ऑफिस का एड्रेस मेंशन है तो उसमें मजीद ऑफिस के नंबर भी अवेलेबल है, आप उन पे कॉल करके तो ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है?